गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के क्लाइमेक्स एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और शानदार आगाज के साथ आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से शुक्रिया कि काफी लंबे इंतजार के बाद हम लोगों ने काफी सटीक रणनीति बनाने के बाद जो हमारे गांव देहात में बच्चे पढ़ नहीं पाते उनके लोग, उनके लिए हम लोगों ने नई शुरुआत करने के लिए आज हम लोगों ने यूट्यूब पे फिर से क्लाइमेक्स का नया शुरुआत किया है नया आगाज करेंगे नई पूरी क्लाइमेक्स टीम आपके साथ ऑनलाइन अब पूरे साल भर के लिए जुड़ने चल रही है आज का यह ऐतिहासिक दिन होगा क्लाइमेक्स अकेडमी ऑनलाइन में भी ऑफलाइन की तरह इतिहास रचेगी पूरे भारत में तो आप सभी विद्यार्थियों का जोरदार तरीके से स्वागत है और शानदार टॉपिक कैलकुलेशन यानी डिजिटल सम के साथ हमने शुरुआत किया है उम्मीद करते हैं जिस तरीके से ऑफलाइन में आप लोगों ने साथ दिया है ऐसे ही पूरे भारत के विद्यार्थी हम लोगों को ऑनलाइन में भी हम लोगों का साथ देंगे जैसे प्रयागराज के सभी विद्यार्थी पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे हम लोगों का ऑफलाइन में अपने हाथों पर लिए रहते हैं जिस तरीके से प्रेम देते हैं उम्मीद करते हैं यही प्रेम हमें ऑनलाइन में आप लोग देंगे और हम आज से आपके साथ उम्मीद लेकर आए हैं कि पूरे भारत में क्लाइमेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग नंबर वन ऊंचाई तक ले जाएंगे और आप सभी विद्यार्थियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा कल से हमारी पूरी ऑफलाइन की जो टीम है आपको एक एक घंटा हमारे जो गाँव देहात में बच्चे गरीब घर के हैं जिनको शिक्षा लेने में प्रयागराज की धरती पर आने में दिक्कत है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए हम लोग एक बैस निःशुल्क भी लेके आ रहे हैं ऑनलाइन में यानी ऑनलाइन के जरिए हम लोगों को हमेशा आप लोग यूट्यूब चैनल पर पाओगे तो आई चलते हम लोग शुरुआत करते हैं क्योंकि समय की बर्बादी ना करके आप सभी विद्यार्थियों का ज़ोरदार तरीके से स्वागत है और हमारे सामने एल भी मैंने लगवा लिया है और सभी विद्यार्थियों के कमेंट बहुत तेज़ी से चल रहे हैं कमेंट भी नहीं पढ़ा जा सकता आज चलते हैं शुरुआत करते हैं डिजिटल सम मैथमेटिक्स में डिजिटल सम का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन अगर आपके अच्छे हैं काटपीट का समय बचता है क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है अगर आपका काटने का तरीका आसान है नियम आसान है तो समझिए आपके मैथ बहुत आसान हो जाएगी और आपको कैलकुलेशन आसान करने का तरीका है डिजिटल सम जिसे बोलते हैं डिजिट को जोड़ना यानी अंकों को जोड़ने के नियम को बोलते हैं डिजिटल सम आइए चलते हम लोग शुरुआत करते हैं अपने शानदार ऑनलाइन के उद्घाटन क्लास के साथ डिजिटल सम के साथ उद्घाटन किया हो और ये हमारा ऑनलाइन का पहला क्लास होगा इस सदर का और हमेशा के लिए देखिए कुछ कोटेशन मैंने आपको लिया है जोश भरने के लिए हर एक पांच सात क्वेश्चन के बाद एक शानदार आपको कोटेशन लेके आएंगे एनर्जी भरने का काम देखिए लिखा है अरे मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में यानी इस दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं दोस्त अरे कुछ मुश्किल नहीं अरे मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर आइए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती दोस्तों तो हम लोग शुरुआत करते हैं शानदार कोटेशन के साथ डिजिटल सम आप लोग स्क्रीन शॉट लेते रहिए डिजिटल सम का बेसिक यूज क्या है दो ढाई घंटे क्लास में आज समाप्त हो जाएगा गणना को आसान करने का नियम है डिजिटल सम क्या है डिजिटल सम किसी भी कैलकुलेशन को आसान करने का नियम है और उसी नियम में कई ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी गणना को आसान कर सकते हैं तो गणना को आसान बनाने के हमारे कुछ नियम हैं सबसे पहला नियम है डिजिटल सम अगर हम डिजिट डिजिटल सम का प्रयोग कर लेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा दोस्तों कैलकुलेशन <machl> को आसान करने का नियम हमारा डिजिटल सम है दोस्तों उसके बाद इकाई यान अंक यानी इकाई यान यान का अंक यूनिट डिजिट से भी हम कैलकुलेशन को अपने आसान करते हैं दोस्तों अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम यूनिट डिजिट का भी प्रयोग करते हैं पहला नियम है डिजिटल सम दूसरा इकाई का अंक तीसरा है विभाजता का नियम कभी कभी आप लोग हमसे ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते होंगे तो जो ऑफलाइन के बच्चे हैं और वो बच्चे हमसे देखते होंगे कभी हम ग्यारह से ऑप्शन को कटाते हैं कभी तेरह से कभी सत्रह से मतलब हम विभाषता के नियम से भी कैलकुलेशन को आसान करते हैं दोस्तों आसान करने के कई तरीके हैं डिजिटल सम है इकाई अंक है पर में आप इसको सीधे स्क्रीन शार्ट ले लीजिए बाद में नोट्स बना लीजिए बहुत शानदार क्लास होगी दोस्तों और ऐतिहासिक क्लास होगी यूट्यूब जगत की जल्दी से स्क्रीन शाट लीजिए आप लोग गुड इवनिंग भैया गुड इवनिंग भैया गुड इवनिंग नमस्ते

देखिए डिजिटल सम के कुछ नियम हैं डिजिटल सम का नियम क्या है कैसे हम इसको यूज करेंगे क्या क्या करना है इसमें आइए देखते हैं किसी भी संख्या का डिजिटल होने पर उत्तर शून्य होगा अगर किसी सम में हम डिजिटल सम का प्रयोग कर रहे हैं तो डिजिटल सम में अगर अंकों को जोड़ रहे हैं डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट को जोड़ना अगर आप लोग डिजिट को जोड़ रहे हो जोड़ने पर न होगा तो उत्तर जीरो होगा डिजिटल सम कुछ नयाम नहीं है जैसे हमने एक मशीन दे दिया आपको एक फोन दे दिया कि फोन के जरिए आप बात करोगे वैसे एक कोड भाषा है डिजिटल सम नौ के लिए यूज हुआ हम चाहे तो यारह से यूज कर ले, लेकिन ग्यारह की डिविजिबिलिटी कठिन होती है दोस्तों इसलिए हम डिजिटल सम में नौ की डिविजिबिलिटी का रूल लगाते हैं किसी संख्या में अगर हम नौ से गुणा करने पर डिजिटल सम हमेशा नौ या जीरो होगा अगर किसी संख्या में हम नौ से गुणा करेंगे तो डिजिटल सम हमारा जीरो होगा या तो नौ होगा दोस्तों कह रहा है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम एक, एक चार सात नौ होता है एक चार सात नौ होता है किसी संख्या परफेक्ट स्क्वायर का जो डिजिटल सम होता है एक चार सात नौ होता है दशमलव तथा तो प्रतिशत अंक योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों स्क्रीन ले लीजिए आप लोग बाद में नोट्स बना लीजिए ठीक है जल्दी से फटाफट स्क्रीन लीजिए और शानदार क्लास चलेगी दोस्त आइए खुश रहें सभी विद्यार्थी आइए जीरो या नौ डिजिटल सम में नौ का मतलब जीरो आइए तीन साल ले लिए होंगे बाद में नोट्स बना लीजिएगा हमको कॉन्सेप्ट सिखाने दीजिएगा बस आइए अगला कह रहा है डिजिटल सम के कुछ लिमिट्स हैं इसकी कुछ नियम हैं क्या इसके नियम है यह निकटतम मान के लिए नहीं लगता जैसे हम लोग तीन दशमलव लो एक चार छ है तो हम इसको लिख सकते हैं तीन दशमलव एक पांच हम लोग नियरेस्ट उत्तर को कभी कभी लिख लेते हैं जैसे तीन दशमलव छ सात है तो हम लोग लिख सकते हैं तीन दशमलव जैसे मान लीजिए तीन दशमलव छत है, है तो इसको लिख सकते हो तीन दशमलव सात तो नियरेस्ट ऑप्शन दे देगा तो नियरेस्ट मान के लिए नहीं होता समझ रहे ना आइए चलते हैं आइए अभी तो हम लोगों ने स्क्रीन ले ली यहां निकटतम मान के लिए नहीं है दोस्तों यानी नियरेस्ट वैल्यू के लिए नहीं है दिस इज नॉट वैल्यूड फॉर नियरेस्ट वैल्यू कह रहा है यदि किसी जगह हमें ऋणात्मक अंक प्राप्त होता है तो इसमें नौ जोड़कर धनात्मक करते हैं अगर हमको कहीं सम में निगेटिव में प्राप्त होगा तो हम दस जोड़कर उत्तर प्राप्त करेंगे बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा भैया क्वालिटी बढ़ा लीजिए सही दिखेगा यह निकटतम हमारे सामने लीडी है दिख रहा भैया यह निकटतम मान के लिए वैध नहीं है दोस्त ना हाँ यह निकटतम मान के लिए वैध नहीं हमने लिबनेशन लिख दिया है क्या कहे स्क्रीन शार्ट लो तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं कॉन्सेप्ट पे आते हैं दोस्तों स्क्रीन शार्ट ले लो जल्दी से फटाक से स्क्रीन शार्ट लीजिए आइए स्क्रीन शार्ट ले लो भैया थोड़ा सा धुमिल दिख रहा है देखिए हमको जो हम नौ से भाज्यता के जांच का नियम है कोई संख्या हमने उदाहरण ले लिया जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले ए बी सी को हम नौ से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा ना हम 9 से भाजता की जांच का नियम हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहां से हम लोग करेंगे ए बी सी ए बी सी में 9 से भाग देना है ए बी सी को लिख सकते हो सौवे प्लेस पे यानी 100 प्लेस पे 100 ए लिख सकते हो और बी को लिख सकते हो 10 बी और प्लस सी लिख सकते हो कि नहीं अगर हमको ए बी सी में हम कैसे हम विभाषता का नियम लगाएंगे नौ सौ उसको आप लोग उसको प्रूफ करते हैं तो ए आपका हो जाएगा इसको हंड्रेड एक लिख सकते हो नाइनटी नाइन ए लिख सकते हो दोस्तों ए के यहां से निकाल लो नाइन बी लिख लो प्लस बी ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि नौ का मल्टीपल से कैसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी उसको बताते हैं नाइनटी नाइन ए नाइन बी और आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी सौ ए था सौ ए में से सौ ए प्लेस पर यूनिट प्लेस टेन 10 प्लेस हंड्रेड प्लेस यानी इकाई दाई सैकड़ा तो यहाँ हंड्रेड ए टेन बी प्लस सी तो नाइनटी a ए प्लस ए टेन को नाइन b प्लस बी तो प्लस सी लिख सकते हो दोस्तों अब ए बी सी है अब आइए हम इसको डिविजिबल करते हैं नाइन से अगर हमको नाइन से इस संख्या में भाग देना हो नौ से इस संख्या में भाग देना हो तो हम लोग भाग देते हैं नाइनटी नाइन ए से 99b नाइन से और ए आपका ए प्लस बी प्लस सी पूरे में हम नौ से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा दोस्तों रिमाइंडर जो आएगा ए नाइनटी नाइन नौ से कट जाएगा जीरो रिमाइंडर आएगा ए भी कट जाएगा जीरो रिमाइंडर आएगा हमारा उत्तर आया ए प्लस बी प्लस सी इसका मतलब हम कह सकते हैं नीचे आर बराबर आर बराबर रिमाइंडर जो आएगा ए प्लस बी प्लस सी यानी सारे डिजिट को जोड़ दोगे यानी उसके सारे डिजिट को जोड़ दोगे वही आपका क्या आएगा रिमाइंडर आएगा दोस्तों आइए चलते शुरुआत पे आइए बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है अगर किसी संख्या में हमको नौ से भाग देना है तो उसकी डिजिट को हम जोड़ देंगे बस जैसे एबीसी में हमको नौ से भाग देना था नाइनटी नाइन ए नाइन बी एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों स्क्रीन शॉर्ट ले लो ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट था आपका नौ से भाग देने पर हमारा जो रिमाइंडर आएगा ए प्लस बी प्लस सी आएगा स्क्रीन शॉर्ट ले लो भैया हाँ खुश रहिए भगत सिंह भगत सिंह मैं भी आ गया सर बीस लोगों को शेयर किया अच्छा आर के विस्कर्मा ठीक है भैया बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का आइए बहुत शानदार कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी पहला क्वेश्चन भी नहीं आया है उम्मीद करते हैं आज हम लोग बहुत शानदार कॉन्सेप्ट डिस्टर्स हमको पढ़ेंगे आइए जल्दी से स्क्रीन शार्ट ले लो भैया स्क्रीन शार्ट ले लो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है हमने कॉन्सेप्ट दिया है अभी क्वेश्चन पे नहीं आया हूँ और तो सर आज अच्छा ठीक है भैया बड़े दुष्ट हैं आप लोग कल लड्डू खिलाएंगे हाँ भैया हमारे सामने आपकी स्क्रीन देख रही है हमारा आपका एकदम समझिए हमारे सामने आप लोग लाइव बैठे हो बहुत से बच्चे जैसे हाल नंबर वन में मैं पढ़ाता हूँ डिजिटल बच्चों को वैसे बैठ रहे हैं समझ में नहीं आया पैसा वापिस अच्छा भैया ठीक है आई स्क्रीन शार्ट ले लो अब देखिए जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया मान लीजिए यहाँ एबीसी को काट कर मान लीजिए हमारे सामने एक सवाल आया दो तीन पांच है मान लो इसमें हमको नौ से भाग करना है रिमाइंडर लेना है भैया रिमाइंडर निकालना है जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने लिए 236 में 9 से भाग करके रिमाइंडर लेना है तो आप लोग क्या करोगे 9 से भाग करके रिमाइंडर निकालना विभाजित करने पर क्या होगा तो 9 दूना अठारह होगा भाई अब बचा आपका पांच पा, छे आप भाई 9 अगर 236 में 236 में 9 से भाग करना है तो रिमाइंडर क्या होगा हमने कहा नौ दूना अठारह बचा पांच पा, और छो छ चौवन बचा आपका रिमाइंडर दो बचा ये हमारा अंगणित का पोर्शन है नौ आया मेथड नंबर वन से बेसिक से जो हम प्राइमरी में पढ़ते थे लेकिन अगर इसी हमको मेथड नंबर टू से अगर हमको टू थ्री सिक्स में नौ से भाग करना है दोस्तों तो छ तीन नौ दो ग्यारह छह तीन नौ छह तीन नौ दो ग्यारह आएगा और ग्यारह के अंकों को जोड़ोगे दो आएगा तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर दो आएगा हम डिजिट को जोड़ लेंगे सीधे बस स्क्रीनशॉट बहुत बढ़िया देखिए कितना बढ़िया उत्तर दे रहे हैं आइए जल्दी से फटाक से जल्दी से कॉपी करिए स्क्रीन साल लीजिए शेयर नहीं करना स्क्रीन साल लेना है दना दना आपको ठीक कोई समस्या होगी तो जरूर आप कमेंट करेंगे आइए आइए आप लोग धक्का मुक्की ना करें भैया क्लास में बहुत भीड़ रहती है सर मैं आ गया अच्छा ठीक है आइए स्क्रीन साल ले लो भैया आइए पहला सवाल आइए हम लोग शानदार सवाल को स्टार्ट करने से पहले बहुत बढ़िया कोटेशन पढ़ते हैं हिम्मत मत खोना दोस्तों देखिए आइए कोटेशन के साथ हम शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न की हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है अभी आप लोग हिम्मत मत खोइए हमें पांच हजार दस हजार वाचिंग जाना है ना जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं उन्हें भी करके दिखाना है बहुत से लोगों ने आपको घर से निकलने से पहला कहा होगा कि तेरे बस का नहीं है उनको भी करके दिखाना है इसलिए मुझे रिजल्ट लाना है दोस्तों मेहनत करना है और जुनून के साथ मेहनत करना है जज्बे के साथ मेहनत करना है हिम्मत मत खोना भी बहुत आगे जाना है दोस्तों हिम्मत मत हारिए क्योंकि उन्हें भी आपको जवाब देना है जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं आई चलते हैं शुरुआत करते हैं पहला सवाल आई देखिए यूपीएसआई ने 2017 में बेहतरीन सवाल पूछा है सारे एग्जाम के मैं सवाल लेके आया हूं दोस्तों आइए ये देखिए पहला सवाल हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत बेहतरीन सवाल है जल्दी फटाक से उत्तर दो कह रहा है एक पांच लिखा है सात एक एक जीरो वन थ्री टू देखो नौ से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या होगा अगर इसमें नौ से भाग करोगे रिमाइंडर क्या आएगा तो कहोगे सर पांच सात आठ नौ दस ग्यारह तीन चौदह ना आपका तीन बार वन दो देखिए सात पांच बारह तीन पंद्रह सोलह तीन उन्नीस दो इक्कीस इक्कीस होगा अगर पूरे अंकों को जोड़ोगे देखिए सात पांच बारह तीन पंद्रह सोलह तीन उन्नीस दो इक्कीस आया इक्कीस को फिर जोड़ोगे दो एक तीन जोड़कर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना, कर करना है इसको जोड़कर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो उत्तर हमारा आया तीन ऑप्शन नंबर सी मजा आया कि नहीं स्क्रीन शार्ट ले लो भैया जल्दी से बहुत बढ़िया अच्छा लेह लद्दाख भी आ गए बहुत बढ़िया जल्दी से कॉपी करिए आइए बहुत बढ़िया जल्दी से फटाफट फड़ कॉपी करिए स्क्रीन शार्ट ले लो बात देखिए नोट्स ना बनाइए चलते हैं हैं अगले सवाल सवाल पे अगला देखते कौन उत्तर देता है जल्दी से? से उत्तर दो इसको कह रहा है नौ से डिवाइड करिए नौ से डिवाइड करिए रिमाइंडर बताना था नौ से डिविजिबल हो और रिमाइंडर ज्ञात करिए नौ से भाजित करने पर रिमाइंडर ज्ञात करना है सात पांच बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह अठारह और ये बीस जोड़ने पर बीस आया फिर दो और जीरो को जोड़ दो तो उत्तर आया हमारा दो डिजिट को जोड़कर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है या तो सिंपल देसी भाषा में भाग कर लो आया कि नहीं सबको बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सारे बच्चे बहुत बढ़िया सारे भी फ्रेश आगे मिलेंगे आगे मिलेंगे ठीक है सारे अच्छे प्रश्न मिलेंगे अभी तो ये पुराने प्रश्न कुछ हैं जो हम यूपीएसआई वाले हैं आपके कह रहा है इसमें अगला प्रश्न कह रहा है इसमें में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे बची हुई संख्या नौ से डिविजिबल हो जाए नौ से डिविजिबल हो जाए सात आठ नौ चार सात चार देखिए छ तीन सात आठ नौ चार सात छ तीन नौ सात सोलह आठ चौबीस चौबीस नौ तैंतीस चार सैतीस चार चौवालीस चार अड़तालीस जोड़ने पर अड़तालीस आया फिर आठ चार बारह को जोड़ो दो एक तीन होगा तीन आया तो ये बताइए कह रहा है किस संख्या को जाए रिमाइंडर तीन बच रहा है अगर हम रिमाइंडर को संख्या में से घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा नौ से डिविजिबल नंबर हो जाएगा इसका मतलब हमारा डिविजिबल नंबर क्या होगा जो घटाने वाला नंबर होगा नौ से डिविजिबल क्या होगा भैया वो होगा हमारा दो तीन जल्दी से कॉपी करिए स्क्रीन शार्ट लीजिए हम भी आ गए ठीक है भैया जल्दी से फटाफट स्क्रीन शार्ट लीजिए चलते हैं अगले प्रश्नों पे जल्दी से स्क्रीन शार्ट ले लो भैया बहुत शानदार प्रश्न है आपके आइए चलते हैं चौथा सवाल इसी में आइए चौथा कह रहा है ये देखिए कहा है अगर ए जो है हमारा नौ द्वारा विभाज का मान निकालना है सेवन वन टू नाइन फोर सिक्स फाइव तो सात सात एक आठ आठ दो दस नौ उन्नीस उन्नीस चार तेईस चौतीस उन्तीस पाँच चौंतीस चौंतीस प्लस पी ये बताइए चार तीन सात ये बताइए पी का मान कितना जोड़े कि नौ के टेबल में आ जाए तो कहोगे सर दो जोड़ दीजिए तो हम यहां दो जोड़ देंगे ना सात एक आठ दो दस नौ उन्नीस चार तेईस चौतीस पाँच चौंतीस पी और ये कह रहा पी का मान क्या करें नौ से कटेगी और पी का मान पूछा है नौ से कटने के लिए अगर पी का मान दो रख दोगे तो नौ से कट जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए वाला सही है जल्दी से ले लो आ रहा है ना सबको आई जल्दी से फटाफट स्क्रीन शार्ट लीजिए स्क्रीन शार्ट लीजिए चलते हैं अगले सवाल पर स्क्रीन शार्ट ले लो भैया बाद में वीडियो पड़ा रहेगा आप लोग देख लीजिएगा ये देखिए कह रहा है ए सिक्स सिक्स एट सेवन एक्स टू नाइन नौ से भाग जो तो टू एक्स का मान ज्ञाप कीजिए तो बताइए आठ छः चौदह सात इक्कीस दो तेईस तेईस नौ तेईस सात तीस दो बत्तीस बत्तीस प्लस एक्स यानी पांच प्लस यक्स अगर ये संख्या नौ से डिविजिबल है यह नंबर अगर नौ से डिविजिबल है तो यक्स का मान हमारा चार होगा का मान चार रखोगे पांच चार नौ होगा तभी नौ से डिविजिबल होगा टू यक्स का मान पूछा था चार गुड़े दो इस तरीके से पहला कॉन्सेप्ट हमने दिया और इस पे आधारित प्रश्न कराए अब आगे के प्रश्नों केवल डिस्टल सम का प्रयोग है दोस्तों जल्दी से फटाफट कॉपी करिए केवल डिस्टल सम का प्रयोग होगा दोस्तों जल्दी से फटाफट कॉपी करिए है। चलते हैं अगले शानदार सवालों पे जो बेहतरीन सवाल हैं दोस्तों आइए जल्दी से फटाफट स्क्रीन शार्ट ले लो देखिए दोस्तों एक बहुत शानदार कोटेशन है आप लोग देखिए किताबों की दोस्ती बहुत कमाल की होती है समझिए किताबों की दोस्ती बहुत कमाल की होती है वह हमसे बातें तो नहीं करती लेकिन हमें सिखाती बहुत कुछ है इसका मतलब किताबों से दोस्ती कर लोगे दोस्तों बहुत तरक्की करोगे आइए ये देखिए लिखा है अगला सवाल आर आर बी एन टी पी वो सवाल है इसमें लिखा है सेवन थ्री फोर टू जीरो वन फाइव नाइन 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 चार बार इसमें कर इसके बराबर क्या होगा ऐसा प्रश्न जब भी मिलेगा लगाइए। सम, सम नौ का जीरो जीरो, जीरो, ए जीरो, होगा। अगर जीरो में किसी संख्या से गुणा कराओगे 7, 3, 4, 2, 0, 1, अगर जीरो से गुणा कराओगे तो उत्तर हमारा जीरो आएगा वही वाला ऑप्शन सही है जिसका डिस्टल जीरो होगा बताइए सात तीन दस चार चौदह सात तीन दस चार चौदह एक पंद्रह छह इक्कीस पांच छब्बीस चार तीस चार चौतीस तिरालीस पांच अड़तालीस छप्पन छप्पन दो आया दोस्तों दो। आप को जोड़ के में बदलना है, है। सात तीन दस चार चौदह एक पंद्रह दो सत्रह आठ पच्चीस पच्चीस सात बत्तीस बत्तीस नौ इकतालीस आठ उनचास पांच, पांच चौवन आएगा इसका जोड़ चौवन आएगा पांच चार नौ नौ को मतलब जीरो विकल्प नंबर सी वाला सही होगा दोस्तों सी वाला सही है जल्दी से कॉपी करिए जल्दी से स्क्रीन शार्ट ले लीजिए नौ का मतलब जीरो होगा दोस्तों जीरो में किसी संख्या से गुणा कराओगे पूरा सब हमारा जीरो होगा जल्दी से फटाफट -फड़ कॉपी करिए आइए अगला सवाल ये देखिए आप लोगों ने देखा यहां लिखा है ट्वेल्व नाइनटी नाइन 1299 इसका डिजिटल सम गुड़ा कराना थोड़ा सा कठिन है दोस्तों गुड़ा कराना कठिन था तो हमने डिजिटल सम का प्रयोग किया 9 का मतलब डिजिटल सम में 0 9 का मतलब 0 2 1 3 3 हो गया 9 का मतलब 0 9 का मतलब 0 ये 2 1 3 हो गया 3 में अगर गुणा कराओगे 3 3 का 9 होगा दोस्तों 9 आएगा 9 का मतलब आपका 0 आया इसका डिजिटल सम का प्रयोग करके हमने सॉल्व किया 9 0 आया जीरो आएगा भैया जीरो आएगा देखिए आप यहां फिर समझिए नौ नौ लिखा था नौ मतलब जीरो नौ जीरो दो एक तीन नौ जीरो नौ को मतलब जीरो दो एक तीन हो गया आप यहां से जोड़ेंगे पांच एक छह तीन नौ आठ सत्रह पांच बाईस एक तेईस तेईस मतलब पांच होगा देखिए पांच पांच एक छह तीन नौ नौ आठ सत्रह पाँच बाईस एक तेईस जीरो नहीं होगा छ एक सात आठ सात पंद्रह पाँच बीस सात सत्ताईस एक अट्ठाइस जीरो नहीं होगा आठ दो दस एक आएगा छः एक सात आठ सात पंद्रह आठ एक पंद्रह तीन अठारह सात पच्चीस एक छब्बीस जीरो नहीं होगा छब्बीस छः एक सात आठ सात पंद्रह सात बाईस चार छब्बीस एक सत्ताईस सत्ताईस का मतलब सात दो नौ नौ का मतलब जो ऑप्शन में जोड़ने पर डिस्टल जो ऑप्शन जोड़ने पर डिस्टल जीरो होगा यानी नौ आएगा वही हमारा जो है ऑप्शन सही होगा तो ये हमारा जीरो आया जल्दी से फटाफट कॉपी करिए स्क्रीन लीजिए अच्छा भैया शांतिपुरम वाले बच्चे भी हमारे आए हैं कोई बात नहीं बहुत बढ़िया खाना बनाना हो ठीक है भैया कल लड्डू मिलेगा हाँ लड्डू मिलेगा वास वास्ते हैं ठीक है भैया सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इसी तरीके से प्रेम बनाए रखें आइए आइए स्क्रीन शाट ले लो भैया जल्दी से फटाख से स्क्रीन लीजिए ये देखिए उनचास 49 लिखा है 77 लिखा है ट्रिपल 7 और एक चीज देखिए आखिरी अंक किसका देखिए आप लोग ऐसे प्रश्नों में एक चीज ध्यान देना है कोशिश करिए ऑप्शन कटाने को 9 और 7 आखिरी अंक दोनों को गुणा करा ली 9 7 63 का आखिरी अंक 3 होगा तो इसमें 4 है इसको ऑप्शन को कटा दो क्योंकि 4 है होगा नहीं आइए 9 0 मतलब 0 होगा 4 ए बताइए 7 3 21 चार गुड़े तीन चार बारह बारह मतलब तीन आएगा दोस्तों तीन आएगा किसका आएगा आइए देखिए कौन से ऑप्शन का तीन आएगा देखिए सात से हो गया ये चार नौ जीरो ये चार गुड़े चार थी तीन चार तीन बारह तीन आएगा आठ तीन ग्यारह दो तेरह आठ तीन ग्यारह दो तेरह तीन सोलह सोलह का मतलब सात आपका आएगा सात आएगा ना आठ सात पंद्रह आठ तीन ग्यारह सात अठारह तीन इक्कीस इक्कीस का मतलब आपका तीन होगा इक्कीस का मतलब तीन तीन यही आ रहा है ऑप्शन नंबर सी वाला जल्दी से कॉपी करिए स्क्रीन शार्ट ले लो भैया स्क्रीन शार्ट ठीक है भैया जल्दी से फटाफट स्क्रीन शार्ट लो अच्छा कानपुर से भी इटावा से भी कौसम्बी से घर से क्लास कर रहा हूं ठीक है भैया बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को इसी तरीके से आप लोग क्लास करते रहे मजा आ रहा है समझ में आ रहा है अच्छा भैया इतका विश्वकर्मा भी, भी है मुकुल भी है रविशंकर भी है सर मुझे मैथ नहीं आती सबको आने लगेगी बस हमारे साथ जुड़ी ऑनलाइन सबको मैथ सिखा दूंगे आइए आइए अगला सवाल इसके अंसार ले लो भैया ये देखिए इसमें आप लोगों ने देखा है ये लिखा है फाइव थ्री फाइव टू ये लिखा है देखिए यहां से फाइव टू ये देखिए फाइव टू 3, 1, 4, 0, 5, और नाएन नाएन के बार आपका चार, बार ये ये आपका आपका है तो आपने देखा इसका सम क्या होगा दोस्तों ये डिस्टल सम जीरो आएगा अगर जीरो में किसी संख्या से गुणा कराओगे होगी जीरो आएगा नौ का मतलब जीरो नौ जीरो नौ जीरो नौ जीरो नौ जीरो ओवरऑल डिस्टल सम क्या होगा जीरो हो। अरे भाई अब ऊपर से जोड़िए पाँच दो सात तीन दस ग्यारह तीन चौदह पाँच उन्नीस दो इक्कीस सात आठ छत्तीस पांच इकतालीस नौ पचास पाँच पचपन पचपन का मतलब दस दस आएगा अभी सर जोड़िए पाँच दो सात तीन दस ग्यारह तीन चौदह पाँच उन्नीस दो इक्कीस छः सत्ताईस आठ पैंतीस पाँचालीस नौ उनचास उनचास पाँच चौवन चौवन का मतलब पाँच चार नौ नौ मतलब जीरो वही वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों जिसका डिस्टेंसन जीरो होगा क्योंकि हमारे प्रश्न में नौ था नौ मतलब जीरो नौ जीरो नौ मतलब जीरो नौ मतलब जीरो नौ मतलब जीरो और जीरो में किसी संख्या से गुणा कराओगे तो उत्तर हमारा जीरो होगा ना नीरो आएगा ठीक है ये हो गया तो हमने ऑप्शन सी में डिजिट को जोड़ा तो चौवन आया और चौवन का मतलब आपका नौ नौ मतलब जीरो आ गया जल्दी से फटाफट कॉपी करिए बहुत बढ़िया दोस्तों शानदार क्लास आप लोग ले रहे हैं बस इसी तरीके समझते रहिए आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया समझ में आया कि नहीं नगरी देवरिया से ठीक है भैया बहुत बढ़िया आई चलते हैं अगला सवाल ये देखिए कह रहा है दस सौ तिरानबे ये बताइए दस सौ तिरानवे को गुड़ा करना है ये बताइए दस सौ तिरानबे को आपको गुड़ा करना था आप लोग गुड़ा कैसे करोगे देखो दस सौ तिरानवे को गुड़ा करना है बहुत आसान मेथड आपको बताते हैं दस सौ तिरानवे को गुणा करना है नौ मतलब आपका जीरो होता है दोस्तों नौ मतलब जीरो इनके आखिरी अंक तीन थे तीन तारीख का नौ होना चाहिए आखिरी अंक नौ इसमें है नहीं नौ इसमें नहीं है ऑप्शन दो तो कैंसिल हो गए फिलहाल आइए डिस्टर्स हम लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं ये बताइए नौ जीरो तो बचा तीन एक चार बचा दोस्तों ये बताइए नौ जीरो तीन एक चार बचा ना डिजिट चार चौक सोलह सोलह का मतलब सात सात आएगा देखिए नौ का मतलब जीरो यहाँ तीन बचा है यहाँ एक जोड़ लिया तीन एक चार हो गया मतलब जीरो तीन एक चार हो गया डिजिटल सम चार सोलह सोलह सात ए आपका नौ मतलब जीरो नौ मतलब जीरो हो गया ना जीरो हो गया ना अब आइए जोड़ते चार दस चार चौदह दो सोलह ए आएगा सोलह दोनों नौ को हटा दो जीरो जीरो कर दोगे अब आइए देखिए एक बार फिर से समझिए आइए अब आप लोग देखिए किसमें इसके डिजिटल सम के बराबर आ रहा है ना आइए देखो इसको जोड़ोगे नौ मतलब ये जीरो हो गया जीरो जहां नौ देखिएगा डिस्टरसम में नौ को मतलब जीरो होता है ठीक है ये चार छह चार दस चार चौदह दो सोलह सोलह का मतलब आपका साथ। साथ आना चाहिए। चाहिए। नहीं दो ऑप्शन में जीरो आएगा बताएंगे बताएंगे ठीक है परेशान नहीं। दो ऑप्शन में जीरो आएगा याद हो गया अभी इस तक पहाड़ अच्छा भैया सही है दो ऑप्शन में जीरो आएगा भी आएगा परेशान न सब आएगा ना अभी तो में लोग सीख रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी से फटाफट कॉपी करिए चारे बच्चों के कमेंट हम देख रहे हैं ठीक है परेशान ना स्क्रीन शार्ट ले लो बाद में वीडियो देख लेना स्क्रीन शार्ट लेके रख लो नोट्स बनाने के लिए आइए ये देखिए बहुत शानदार कोटेशन है देखिए बहुत शानदार कोटेशन है दोस्तों थोड़ा आराम आराम से हम पढ़ा रहे हैं देखिए लिखा है कुछ इस तरह जीत करना सीखो जो लिखा ही नहीं इस मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो जिद्दी बन जाओ अपनी अपनी जो मंजिल है मंजिल को पाने के लिए जिद्दी बनो इतिहास वही लोग रचते हैं दोस्त जिनके अंदर जिद होता है चाहे धूप हो चाहे बारिश हो चाहे जितनी कठिनाई हो चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी वही लोग इतिहास रचते हैं जिनके अंदर कुछ जिद करने का जुनून हो आपके अंदर जिद हो जाए कि मुझे एग्जाम टॉप करना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको टॉप करने से नहीं रोक सकती इसलिए आप लोग जिद्दी बनी है मुझे करना ही करना है किसी भी कीमत पे मुझे नींद को हराकर अपनी जाप को पाना है सरकारी जाप को पाना है अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है दोस्तों इन तमाम चीजों को सबको त्यागने के लिए आपको मतलब तमाम इस बाउंडर को जो अपने पृथ्वी पे है सबको त्याग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है दोस्तों आइए चलते हैं अगले सवाल पर खूब मेहनत करना है अपने लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखो ये लिखा है नाइन 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 टू चार बार ए देखिए लिखा है जीरो 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 एट नार ना? जीरो लिखा था बता ये बताइए आठ एक नौ नौ मतलब जीरो अगर जीरो में किसी संख्या से गुणा कराओगे तो हमारा उत्तर जीरो आएगा दोस्तों जीरो आएगा ये देखिए इसमें जीरो से गुणा कराए हमारा उत्तर जीरो आठ एक नौ नौ मतलब जीरो होगा बताइए छ तीन नौ नौ मतलब जीरो बताइए पहला ऑप्शन देखोगे छह तीन नौ जीरो ये पूरे नौ है यही जीरो हो गया और ऑप्शन मिल सकते हैं ऐसा नहीं है कि यही में ऑप्शन मिलेगा ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं सबको बहुत बढ़िया दोस्तों थोड़ा सा प्रयास करिए आप लोग देखिए फोर्टी सेवन हंड्रेड हमारी वॉचिंग चल रही है फोर्टी सेवन हंड्रेड उम्मीद करते हैं पांच हजार का आंकड़ा इस बार तो छुआ दोगे थोड़ा सा देखिए उम्मीद लगाए रखता है आदमी ना लालच बहुत बुरी चीज होती है दोस्तों जानते हो ना तो लालच तो होती है इंसान की ना तो एक बार वीडियो को दमदारी से, से शेयर कर दे पांच हजार का आंकड़ा तो छू ही ले यार थोड़ा सा है बस तीन सौ चार सौ का आंकड़ा है आप लोग चाहोगे तो हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आए चलते हम लोग पांच हजार का आंकड़ा छुआते हैं दर, हम लोग अच्छे से पढ़ते रहते हैं ठीक एक बार जोरदार तरीके से सभी लोग शेयर कर दो पांच हजार आंकड़ा डक जाएगा दोस्तों ये देखिए वर्गमूल निकालना सिखाते हैं बहुत शानदार कॉन्सेप्ट सिखाते हैं देखिए दोस्तों ये लिखा है वन 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 एट थ्री और सेवन वन सिक्स प्लस वन अब आइए देखते हैं देखिए इसको क्या करोगे दोस्तों क्या करोगे ये बताइए आठ एक नौ नौ को जीरो जहां जोड़ोगे डिजिटल सम का मतलब इकसठ सौ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों ने इकसठ सौ पहुंचा दिए सभी बच्चों ने बहुत शानदार तरीके से मैंने किया आठ एक नौ आठ एक नौ होगा तीन दो पांच, तीन दो पांच छ सात ये आपका हो गया एक ये आपका हो गया सात बचे पैंतीस पैंतीस एक छत्तीस छत्तीस का लो छ तीन नौ नौ का लो जीरो जीरो आया दोस्तों देखिए हमने कहा आठ एक नौ देखो ना था, आठ एक नौ और दो तीन पांच हो गया छ एक सात हो गया प्लस एक सात पचे पैंतीस प्लस एक पांच सौ पैंतीस एक, एक छत्तीस छ तीन नौ नौ मतलब जीरो तो आप लोगों ने देखा चार दो छ तीन नौ नौ मतलब जीरो नौ मतलब जीरो आया ऑप्शन आया कि नहीं ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़िया चलिए हां भैया पुराने कार्ड पे भी छूट मिलेगा जल्दी से फटाफट स्क्रीन शार्ट लो भैया जल्दी से फटाफट स्क्रीन शार्ट लो छत्तीस हो गया छत्तीस नौ हो गया नौ मतलब जीरो जीरो इसी ऑप्शन में आ रहा है हमने वर्गमूल निका, निकालना सिखाया अभी बताते हैं कुछ ऐसा आता है आज एक बच्चे ने सवाल किया सर ऐसा वर्गमूल आएगा क्या करेंगे सारी चीजें बताएंगे बस धैर्य के बने रहिए मजा आ रहा है ना बहुत मजा आएगा दोस्तों बहुत शानदार मजा आएगा बस इंतजार करिए इंतजार का फल मीठा होगा तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो दस हजार का आंकड़ा भी हम लोग सो सकते हैं आप लोगों ने एक साथ तक पहुंचाया बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का आइए ये देखिए इसका वर्गमूल निकालना था दोस्तों ये देखिए वर्गमूल किसका निकालना है वन वन एट एट वन इसका वर्गमूल निकालना था ना वर्गमूल निकालना है वर्गमूल निकालना है दोस्तों आठ एक नौ मतलब जीरो आठ एक नौ मतलब जीरो तो आएगा आपका वर्गमूल एक बचा एक का वर्गमूल एक आएगा दोस्तों बेहतरीन सवाल था आर आरबी ग्रुप डी ग्रुप डी की परीक्षाएं भी आपकी लगी हैं और ये नौ मतलब जीरो होगा दोस्तों आपका उत्तर आएगा ए ऑप्शन नंबर ए मजा आया कि नहीं देखिए चुटकियों में सारे सवाल हल हो रहे हैं बहुत मजा आ रहा होगा दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं अच्छा ठीक है भैया तेरा ये समझ में आ रहा है ना हाँ भैया लड्डू समोसा अरे भाई इतना तेज कमेंट करोगे कहाँ से पढ़ पाएंगे आइए आइए जल्दी से सभी बच्चों ने मेरी चार हजार बच्चों ने जब हमारे साथ लाइव थे छियालीस सौ और बच्चों ने हमारी बातें मानी और देखिए दमनाधन वीडियो को शेयर किए एक बार फिर से सभी लोग शेयर करेंगे पांच हजार बच्चा है एक एक बच्चा अगर शेयर करेगा तो ये दस हजार लोगों तक पहुंचेगा सभी लोग एक बार दमदारी से शेयर करो दोस्तों एक बार वीडियो को दमदारी से शेयर करिए सेवन बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का आठ हजार तक बच्चों ने पहुंचाया देखिए बच्चे हमारे जिस जितनी बार वीडियो शेयर करने के कह रहे हैं पांच हजार बच्चा था सीधे आठ हजार में कन्वर्ट किया बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को कांग्रेस आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से शुक्रिया आप सभी विद्यार्थियों का इसी तरीके से प्रेम बनाए रखें YouTube जगत में भी हम आपके साथ जैसे ऑफलाइन में हम आपके साथ विश्वास के साथ रहते वैसे ऑनलाइन में भी इस बार रहेंगे दोस्तों वादा से नहीं मुकरेंगे लास्ट चांस है आप लोगों के साथ आई चलते हैं अगला सवाल ये देखिए बेहतरीन सवाल है दोस्तों पांच दो दो सात पांच वर्गमूल निकालना था देखिए बेहतरीन सवाल चल रहा है और इन शानदार सवालों के लिए हमारे बच्चे हमारे साथ खड़े हुए हैं सेवन थाउजेंड के आसपास बच्चे छह पांच ग्यारह सात अठारह दो बीस दो बाईस पांच सत्ताईस एक अट्ठाईस अट्ठाईस होगा दोस्तों अट्ठाईस मतलब आठ दो दस दस का वर्गमूल एक होगा आपका वर्गमूल निकल के आएगा एक आएगा दोस्तों कौन सा ऐसा मतलब ऑप्शन है जिसका उत्तर एक आएगा चौदह दो सोलह आठ छ चौदह दो सोलह सोलह सात दो नौ नौ मतलब जीरो नौ एक दस आएगा दस ऑप्शन मतलब नंबर सी इसी का वर्गमूल होगा दोस्तों वर्गमूल यही होगा और तरीके आपको बताएंगे आइए आइए भैया बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का आइए समझ पा रहे नहीं सभी लोग फेस हो गया सर जी ठीक भैया समझ में आ रहा है ना सभी विद्यार्थियों आइए गोरखपुर से हमारे सभी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारे उत्तर प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से शुक्रिया आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आइए चलते हैं अगला सवाल नेक्स्ट सवाल स्क्रीन शार्ट ले लो भैया स्क्रीन शार्ट ले लो आइए नौ एक जीरो एक एक ये देखिए इसका वर्गमूल निकालना मुझे पांच एक छे एक सात सात एक आठ न आप लोग देख रहे हो छ दो आठ एक नौ छ दो आठ एक नौ नौ जीरो ए आपका नौ मतलब जीरो इस नौ जीरो नौ को जोड़ने का मतलब डिजिट जीरो होता है समझ में आ रहा है कि नहीं जीरो हो गया और जीरो किसका आएगा नौ मतलब जीरो नौ मतलब जीरो ए आएगा छ पा नौ को जीरो पांच चार नौ और नौ को मतलब जीरो शानदार उत्तर ऑप्शन नंबर बी मजा आया नहीं मजा आया जोरदार तारी जोरदार तरीके से तालियों का स्वागत करें और एक बार वीडियो को दमदारी से शेयर करिए दस हजार सीधे आंकड़ा छोड़ जाए दोस्तों सात हजार लोग चाहोगे तो चौदह हजार पहुंच जा जाएगा ठीक है हम शानदार तरीके से आपके लिए क्वेश्चन के लिए बहुत मेहनत किए हैं अगला टाइप बहुत शानदार आने वाला दोस्तों तो एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर करिए आंकड़ा दस हजार से ज्यादा हो जाए दोस्तों सभी विद्यार्थी हमारे जिस तरीके से प्रेम बनाए हैं एक बार तेजी से वीडियो को शेयर करें सभी लोग सात हजार लगभग पचहत्तर सौ बच्चे हैं और वीडियो को शेयर करोगे तो उम्मीद है दस हजार का आंकड़ा सो जाएगा देखिए सभी बच्चे शेयर कर रहे हैं ठीक है आइए शेयर करिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर सीधे दस हजार लाइव वाचिंग के साथ जल्दी से सभी लोग शेयर करिए दोस्तों आइए देखिए बच्चे शेयर कर रहे हैं बहुत तेजी से दस का आंकड़ा सुनने वाला है देखिए शानदार कोटेशन है काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्तों क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है दोस्तों तो काबिल बनना है तो आप लोग शानदार तरीके से जो है मेहनत करें और थोड़ा हार्ड वर्क करें आए चलते हैं अगला प्रश्न ये ग्रुप डी का आया क्वेश्चन है देखिए ये सवाल बहुत बेहतरीन है इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें कुछ आपको सीखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों इसमें कुछ सीखने को मिलेगा अब एक चीज देखिए अगर कोई संख्या वर्गमूल से बाहर निकलती है कोई संख्या वर्गमूल से बाहर निकलती है तो इसकी एक क्वालिटी होती है अब देखिए जैसे चार नौ चार तेरह नौ मतलब जीरो अब आपने देखा नौ मतलब जीरो आपका नौ मतलब जीरो अंडर वुड सात आया अंडरवुड सात आया अंडर वुड सात इसका मतलब जो हमारी संख्या होगी उसका स्क्वायर कर दें नहीं सम सात होना चाहिए ना आइए देखते हैं क्या करना है इसमें चार चार आठ एक नौ नौ को दस जीरो ए वाला ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि जीरो हो रहा है हमारा रूट सेवन है रूट का वर्गमूल निकाल नहीं पाओगे तो हम पीछे सॉल्व करेंगे छह चार, चार दस एक ग्यारह ग्यारह का मतलब दो दो का स्क्वायर कर दो, दो का स्क्वायर कर दो इसी का स्क्वायर कर देना थोड़ा साइड में लिखे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा देखिए बहुत यूनिक चीज सिखाने चल रहा हूँ दोस्तों देखिए बहुत यूनिक चीज सिखाने चल रहा हूँ ए आपका इक्कीस नौ जीरो चार ए आपका हो जाएगा नौ मतलब जीरो चार दो छ एक सात रूट के अंदर हमारा सात आएगा और इसका स्क्वायर करोगे दो दूना चार आएगा आप इसके अंदर जो रूट से संख्या बाहर निकल के जाती है वर्गमूल निकल के गई होगी तो दो बाल लिखी रही होगी रूट से बाहर निकल कर वो लिखी गई ना लिखी गई तो दो बाल लिखी गई होगी पाँच दो सात एक आठ आपका आप लिख सकते हो आठ का स्क्वायर आठ चौसठ छ चार दस एक आएगा ए वाला होगा नहीं ए वाला होगा नहीं अब आइए इसको देखते हैं आठ चार बारह एक तेरह तेरह मतलब चार अब हम लोग चार का स्क्वायर करेंगे चार दो बार रहा होगा ना तभी तो ये वर्गमूल निकल के बाहर आया इसका वर्गमूल ये होगा तो इसका मतलब एक सौ अड़तालीस दो बार लिखा रहा होगा ना एक सौ अड़तालीस दो बार लिखा रहा होगा तो उसके डिजिट को जोड़कर स्क्वायर कर दो चार चौक सोलह सोलह मतलब सात सात होगा दोस्तों सात इसी का हो रहा है अगर डिजिट को जोड़कर स्क्वायर कर, कर दीजिए अगर उसका डिजिट आएगा, तो वही वाला आपका। सही है तो इसका आप इसका से लोगे, इसका हम लोग देख सकते हैं एक दो बार लिखा रहा होगा एक सौ अड़तालीस गुड़े एक सौ अड़तालीस तभी इसका वर्गमूल जो है तभी इसका वर्गमूल आया होगा एक तभी तो वर्गमूल इसका निकला है इसके बराबर लिख सकते हो इसमें आठ चार बारह एक तेरह इसका मतलब आठ चार एक बारह एक तेरह तो इसका मतलब ये लिख सकते हो चार गुड़े चार तो आप लोग देख रहे हो कि गार चौक सोलह सोलह का मतलब ये रूट्स में आ रहा है नहीं रूट इसी का साथ आ रहा है इसका, इसका जोड़कर जोड़ने के बाद ये चार, चार का स्क्वायर कर लो दो बार सात आएगा इसी के बराबर इस संख्या मैच कर रही तो यही वाला वर्गमूल होगा थोड़ा सा यूनिक है अलग है डी वाला समझ में आया नहीं चलिए बहुत बढ़िया सभी विद्यार्थियों का आए चलते हैं हमने सिखा दिया कॉन्सेप्ट मेरा काम है सिखाना आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखें चलिए अगला सवाल स्क्रीन शॉट ले लो भैया स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये लिखा है ए देखिए अब आसान सवाल है वन सिक्स वन टू नाइन ये देखिए नौ को मतलब जीरो छ एक सात दो नौ नौ को मतलब जीरो जीरो आएगा इसका उत्तर तो बचेगा क्या एक आएगा रूट्स के अंदर एक का वर्गमूल एक तो आपने देखा सात दो नौ नौ, जीरो, दो नौ जीरो आएगा एक सौ सत्ताईस का वर्गमूल होगा दोस्तों एक सौ सत्ताइस का वर्गमूल होगा आप लोगों लो ने देखा नौ जीरो छ एक सात दो नौ नौ जीरो बचा एक आपका बचा है एक का वर्गमूल यही वाला ऑप्शन सी वाला होगा समझ में आ रहा है नहीं सबको एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दो कम से कम दस हजार तो आंकड़ा मिले जाए दोस्तों क्योंकि छह हजार हम लोग सात हजार आठ हजार तो पहुंच गए लेकिन दस हजार तक आंकड़ा नहीं पहुंच पाए हम लोग जय हिंद भैया जय हिंद आए जल्दी से स्क्रीन शार्ट ले लो स्क्रीन शार्ट ले लो भैया जल्दी से फटाक से स्क्रीन शार्ट ले लो ये देखिए इसका वर्गमूल निकालना है प्रस का कहरा वर्गमूल तो ये देखो बालक यहाँ सात पाँच बारह दस तो को नहीं काउंट करेंगे बारह का क्यूब ए वन माइनस सात पाँच बारह आएगा डिजिट में वन सात पाँच बारह आएगा और ए आपका प्लस ए आपका आएगा सात पाँच बारह बारह ए आएगा ये सात पाँच बारह की स्क्वायर होगा प्लस एक होगा तो आपने देखा होगा आइए दिखाते हैं आपने देखा ये तीन का घन बनेगा तीन का घन मतलब सत्ताइस जीरो आएगा, ए आएगा ए आएगा दो एक तीन, तीन का नौ आएगा तीन, तीन का त्रिक का ए आएगा जोड़ने पे तीन आएगा तीन ना ए आएगा तीन आएगा दो एक तीन तीन का स्क्वायर करोगे नौ आएगा और प्लस एक आएगा इसका मतलब जीरो आएगा ए आएगा चार अब ये चार का वर्गमूल ले लो चार का वर्गमूल पूछा है चार का वर्गमूल क्या आएगा दोस्तों, दो एक तीन अरे सात पांच बारह और सात पांच बारह स्क्वायर दो एक तीन का स्क्वायर प्लस वन आएगा तो तीन प्लस नौ का जीरो वन और आएगा चार तीन एक चार चार आया चार का वर्गमूल क्योंकि कहा है वर्गमूल निकालने को डिजिट को जोड़ते चलो बस एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो आठ हजार के आसपास है और दस हजार हो जाए दोस्तों उम्मीद करते हैं दस हजार का आंकड़ा छू जाएगा और सभी विद्यार्थी हमारे एक बार जोरदार तरीके से शेयर करो यार दस हजार तो पहुंचा ही दो मेरे भाई ठीक है भैया जल्दी से एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से क्लाइमेक्स में दम है दिखाना है ठीक ठीक है आई लो भी है। जल्दी से फटाफट देखिए सीखने पे भी ध्यान दो आज हम लोग डिजिटल समाप्त सम करेंगे पूरा आइए ये देखिए ये लिखा है जोड़ वाला हम लोग डिजिटल सम जोड़ वाला सीखने चल रहे हैं लिखा है नाइनटी टू पॉइंट थ्री जीरो वन सिक्स नाइन एट और एक क्वेश्चन मार्क लिखा है हमारे पास सम का सवाल जब जोड़ने वाला मिलेगा तो ये नौ मतलब जीरो कर देना तीन दो पांच होगा दोस्तों पांच होगा नौ मतलब जीरो नौ मतलब जीरो आठ एक नौ मतलब जीरो ए एक और आठ गया जीरो डिजिटल सम में एक और आठ का मतलब होता है जीरो और बचा आपका छे, छे बचा नौ जीरो आठ एक नौ जीरो बचा ए आएगा चार चार आठ एक नौ जीरो बचा आपका आठ ऐसे जोड़ लोगे ना जहां पे जोड़ने पर नौ आए नौ का जोड़ा बनाइए नौ का जोड़ा बनाने पर जहां जीरो आए वहां उत्तर को हम जीरो कर देंगे दोस्तों छह पांच ग्यारह प्लस यक्स बराबर आठ दो प्लस एक्स बराबर आठ यक्स बराबर आएगा छ छेगा दोस्तों छ आएगा तो आपने देखा नौ मतलब जीरो आठ एक नौ मतलब जीरो आएगा इसका डिजिटल नौ मतलब जीरो जहां जोड़ने पर डिजिट आपकी जीरो आए वहां उत्तर जीरो आएगा आपने देखा मतलब जीरो और सात सात चौदह एक पंद्रह पंद्रह का मतलब छ आएगा छ आएगा ऑप्शन नंबर ए बी वाला सही है जहां पे जोड़ने पर छा आए वही उत्तर आएगा अच्छा भैया आए, भारत माता की जय बोलकर दस हजार पार कर दो ठीक है हाँ उमेश सर की मैराथन क्लास भी आ रही है जल्द ही आएगी आप लोग परेशान न ठीक है अच्छा साकेत वास। भाई इतना इतना कठिन कठिन आप लोग नाम रखते हो कैसे हम आपके नाम बोल दें सर रोटी बना चुके लड्डू कब मिलेगा बहुत मारेंगे चलिए वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहे हो दस हजार कह रहा हूं यार आठ हजार पहुंचा दिए दस हजार पे मेरे मन में भी लड्डू फूट रहा है लेकिन आप लोग लड्डू खेलने खाने नहीं दे रहे हो हमने देखिए पानी भी नहीं पिया हमने कहा दस हजार आंकड़ा छुएगा तभी पानी पिएंगे सौरभ सर से सौ लगिए लेकिन आप लोग दस हजार नहीं पार कर पा रहे हो यार सौरभ सर ने कहा अगर आप दस हजार आंकड़ा देंगे तो मैं बाल कटवा लूंगा लो मजा आ रहा ही नहीं समझ में आ रहा है नहीं देखिए आपका जो हाँ भैया देखिए इतका विस्कर्मा भी कह रहे हैं हम पांच लोगों को शेयर कर दिए हैं बीस लोगों को शेयर करिए कम से कम ये लिखा है चार पांच का स्क्वायर प्लस इक्कीस का स्क्वायर और बराबर क्वेश्चन मार्क स्क्र प्लस टू फिफ्टी सेवन ये सवाल हमारे पास ऐसे आ जाएगा हम लोग देखिए हम लोग मैथ के साथ खेल रहे हैं सम का मतलब होता है खेलना नौ ये बताइए पांच चार नौ ये बताइए पांच चार नौ ये आया जीरो और ये आएगा दो एक तीन तीन का स्क्वायर हो जाएगा और ये जीरो आ गया और प्लस एक्स स्क्वायर सात पाँच बारह एक तेरह तेरह आ गया ये आएगा नौ बराबर एक्स स्क्वायर प्लस चार चार को चाहे इधर सॉरी पांच सात पांच बारह दो चौदह आएगा चौदह आएगा दोस्तों पांच को इधर कर दोगे तो ये आएगा चार चार तो बराबर दो आएगा दोस्तों मान दो आएगा जो ऑप्शन दो होगा वही सही है तो ये आएगा पांच एक आएगा नौ चार तेरह आएगा तेरह का मतलब चार आएगा नौ का मतलब जीरो चाहे वैसे कर दिया तो चार पाँच चार नौ नौ मतलब जीरो आएगा सात चार ग्यारह मतलब दो ऑप्शन नंबर डिजिट को जोड़ते हैं सात का मतलब दो और ये आपका एक एक दो ठीक चलिए जल्दी से आ रहा है ना कह रहा सर ऑनलाइन में कैसे मारेंगे ऑनलाइन में भी हम मार देते स्टिक रखा हूं ठीक है जल्दी से फटाफट आप लोग स्क्रीन साट लीजिए आइए सीखिए भैया सीखने जो आए हो जिससे उम्मीद है आइए चलते हैं अगला शानदार कोटेशन हर बीस क्वेश्चन के बाद हम लोग पूरा डिजिटल समाज खत्म करेंगे देखिए सक्सेस ये लिखा हुआ है सक्सेस 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 मतलब सफलता कौन नहीं चाहता मुझे सफलता न मिले सोचिए कि आज हमारे साथ आठ से दस हजार लड़का लाइव जुड़ा हुआ है जबकि आप देख रहे होंगे सभी विद्यार्थी तो उसी तरीके से आपकी सफलता के पीछे भी बहुत से लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं सबसे ज्यादा तो उम्मीद आपके माता पिता को है जो आपके समझिए पीछे आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोग उनके सफलता जरूर दीजिए दोस्तों उनके लिए लगन एक छोटा सा शब्द है लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है लगन बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों जैसे मुझे लगन लगी हुई आपको ऑफलाइन पढ़ाना है ऑनलाइन पढ़ाना है और सब जगह मुझे अपना नाम बढ़ाना है उसी तरीके से आपको भी लगन लग जाए मुझे सरकारी नौकरी पाना है अच्छे अच्छे ग्रेड की जॉब पाना है तो आपको लगन होना बहुत जरूरी है दोस्तों आइए चलते हैं अगला सवाल बेहतरीन सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं ये देखिए हम लोग इलजबरा में भी अप्लाई करेंगे जैसे लिखा है यक्स इतना वाई इतना जेड इतना यक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड का मान तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो देखो हमारे सामने यक्स की वैल्यू निकाल लो पांच पांच दस दो बारह का मान पांच पांच दस दो बारह तो यक्स बराबर आ गया तीन एक्स मान पांच पांच दस दो बारह वाई मान आ गया छः पांच ग्यारह दो तेरह तेरह का मतलब आपका चार हो गया छह पांच ग्यारह दो तेरह ये हो जाएगा सात पाँच बारह दो चौदह चौदह का मतलब आपका पांच चौदह का मतलब पांच हो जाएगा चौदह का मतलब पांच एक प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड

सात पाँच बारह दो चौदह चौदह पाँच डिजिट को हम जोड़ रहे हैं आपने देखा इन दोनों को गुड़ा कराओ तीन तरीक का नौ नौ का मतलब आपका जीरो, होता है। जीरो में किसी से गुला कराओगे जीरो तीन तरीक का नौ तरीक सत्ताइस होगा चार चौक सोलह चौक चौसठ होगा पचास पचीस पंजे एक हो गए ये माइनस जीरो आएगा क्योंकि तीन तरीक का नौ नौ मतलब जीरो जीरो में किसी संख्या से गुणा कराओगे जीरो हो जाएगा ठीक है और ये आपका सात दो नौ नौ मतलब जीरो सात दो नौ मतलब जीरो छह चार दस मतलब एक पाँच दो सात एक आठ आठ होगा और आगे लिख सकते हो एक प्लस आठ आठ नौ नौ जीरो होगा दोस्तों जीरो जिसका आएगा वही उत्तर होगा तो चार तीन सात दो नौ नौ जीरो ऑप्शन नंबर डी वाला सही है स्क्रीन शार्ट ले लो समझ में आया कि नहीं अच्छा भैया समझ में आ रहा है ना सबको बहुत बढ़िया सभी लोग सर क्लास रोज रन होगा हाँ भैया अच्छा डी फॉर देहरादून अच्छा सभी लोग शेयर कर रहे हैं यार सभी विद्यार्थियों ने शेयर किया तभी तो आठ नौ हजार आंकड़ा पहुंचा है दस हजार नहीं पहुंचा पाए नींद आ रही सर नींद बहुत मारेंगे गए तो सभी लोग साथ में शेयर करेंगे तो हमारा आंकड़ा बहुत ज्यादा पहुंचेगा एक बार सभी लोग साथ में एक बार शेयर करिए हो सकता है दस हजार का आंकड़ा पांच हजार लगभग छह हजार बच्चे देख रहे हैं अगर सभी लोग छह हजार लोग वीडियो को शेयर करोगे तो उम्मीद करते हैं दस हजार का आंकड़ा पहुंच जाएगा जल्दी से सभी लोग एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से, से शेयर करिए स्क्रीन लेने के बाद अच्छा राहुल सर को भी यूट्यूब पे लाएंगे भैया जल्दी से स्क्रीन लो मजा आया नहीं डिजिटल सम में मजा आया कि नहीं सभी लोगों को मजा आ रहा है ना सबको सभी के हम ठीक है सभी लोगों को मैं इस समय कमेंट देख रहा हूं मेरे सामने इस समय स्क्रीन लगा हुआ है बड़ा सा सभी लोग देखिए बहुत कम पहुंचा पाए घटा दे रहे हैं स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग चलते हैं आगे ए आपका अगला ये लिखा है दोस्तों ये लिखा है और और प्लस नाइनटी फोर 94 फोर आपने देखा यार दो हजार उन्नीस का क्वेश्चन है ए आप जोड़ोगे छ एक सात सात होगा ए छ एक सात हो गया प्लस नौ जीरो नौ जीरो नौ मतलब जीरो चार चौ सोलह सात सत्रह उनचास आएगा दोस्तों उनचास आएगा एक सात आएगा नौ मतलब जीरो ये आएगा चार और प्लस सात सात चार ग्यारह ग्यारह मतलब दो डिजिट को जोड़ते चलो जोड़ना आता है ना आइए तो ये बताइए हमने देखा सात दो नौ नौ मतलब जीरो इसमें बचा दो तो उत्तर हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों डी वाला सही होगा अच्छा भैया समझ में आ रहा है ना सबको चलो जल्दी से अच्छा लड़कियां नहीं कर रही कोई बात नहीं इनको मिठाई नहीं मिलेगा कभी भी आइए स्क्रीन भैया जल्दी से फटाफट आइए बहुत शानदार क्वेश्चन है मैनेजर का आया हुआ क्वेश्चन है 14 15, 483, वन। तो आपने देखा इसका आएगा डिजिट जोड़ोगे पांच आएगा यह आएगा छ आएगा और ये आएगा आठ आए चार बारह तीन पंद्रह आएगा तीन दो पांच आएगा बराबर माइनस वन तो ये आएगा पांच छंग तीस माइनस पांच पंद्रह बराबर यक्स माइनस वन आएगा तीन माइनस तीन एक्स माइनस वन ए आएगा जीरो एक्स माइनस वन तो एक्स बराबर वन आया जो ऑप्शन में वन होगा वही सही होगा आठ नौ मतलब जीरो नौ मतलब जीरो आठ दो, दो दस दस का मतलब एक ऑप्शन नंबर एक नौ मतलब जीरो आठ दो दस दस का मतलब एक आएगा जल्दी से फटाफट कॉपी करो अच्छा लड्डू मांग रहे हैं सारे बच्चों को लड्डू खिला दीजिए आ रहा है नहीं सबको स्क्रीन शार्ट ले लो भैया जल्दी से फटाफट स्क्रीन शार्ट ले लो समझ में आ रहा है ना सबको एक बार कमेंट कर दो समझ में आ रहा है नहीं सभी लोग आ रहा है क्लास रोज होगी ना हाँ भैया आ, आ रहा है नहीं ये देखिए यूपीएसआई का आया क्वेश्चन है लिखा हुआ है नाइनटी नाइन नाइन आप चार बार वन नाइन प्लस वन 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 गुड़े वन 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 प्लस सेवन 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 गुड़े सेवन सेवन यूपी एस का आया क्वेश्चन है ये नौ को मतलब पूरा सीरीज जीरो तो ये उत्तर जीरो आएगा क्योंकि तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और जीरो में किसी संख्या से गुणा कराओगे जीरो हो जाएगा प्लस चार हो जाएगा गुड़े तीन हो जाएगा और तो सात दुना चौदह सात तरीके कई सो जाएगा प्लस सात सात चौदह सात हो जाएगा ना चार तीन बारह हो जाएगा और दो एक तीन हो जाएगा पाँच हो जाएगा दो एक तीन हो जाएगा तीन हो जाएगा पाँच हो जाएगा छह पाँच ग्यारह ग्यारह मतलब दो होगा दो होगा जिसका जितना दो आएगा वही होगा इसका तो जीरो इसका तीन आएगा ये होगा नहीं नौ मतलब जीरो और दो एक तीन तीन छः एक सात होगा ये होगा नहीं आपका ये होगा नौ मतलब जीरो तीन एक चार पाँच छ तीन तीन छ एक सात होगा ये होगा नहीं सात तीन दस तीन तेरह एक चौदह चौदह तीन सत्रह एक अठारह देखिये जीरो हो गया चार तीन चार तीन बारह और सात तीन तीरह से पांच ए आएगा चार तीन बारह और दो तो एक तीन और चार एक पांच पांच तीन आठ पांच तीन आठ और आठ तीन ग्यारह दो आएगा तो सात तीन दस तीन तेरह तीन सोलह दो अट्ठारह अठारह आपका होगा चार तीए बारह सात चौदह सात तरीके कई सात सात चौदह अच्छा गुड़ा में है गुड़ा में है यहाँ से गुड़ा में है भैया ये आपका गुड़ा में था ना यहाँ पे ये दोनों गुड़ा में है ये दोनों गुड़ा में है ना यहाँ ये तो आपका देखोगे आएगा चार तीय बारह ये आएगा तीन पांच ये आएगा तीन पाँच ती पंद्रह पंद्रह तीन अठारह होगा पंद्रह तीन अट्ठारह अठारह का मतलब नौ नौ जीरो सात तीन दस तीन तेरह चौदह तीन सत्रह एक अट्ठारह अठारह का मतलब नौ नौ कल्ला जीरो ऑप्शन नंबर डी वाला सही है भैया ऑप्शन नंबर डी वाला ना समझ गए कि नहीं ये बताइए ये पूरा जीरो हो गया ये एक दो तीन चार हो गया ये दो एक तीन हो गया ये सात तरीके कैसे हो गया हम जोड़ दिए थे गुड़ा का चिन्ह था दो एक तीन हो जाएगा ये चार एक पांच हो जाएगा ये आपका चार एक पांच हो जाएगा भैया ये पांच हो जाएगा ये दो एक तीन होगा पांच तीन पंद्रह होगा पंद्रह तीन अठारह होगा अठारह मतलब नौ होगा नौ को मतलब जीरो समझ में आ रहा है नहीं अच्छा भैया साइड होकर क्वेश्चन को सॉल्व करें ठीक है भैया समझ में आ रहा है नहीं ठीक भैया एक बार फिर समझिए इधर से इधर से आई समझाते हैं ये देखिए नौ ये पूरा नौ है डिश तो समझो होगा ए आपका नौ आप जीरो हो गया पूरा सीरीज है पूरा जीरो हो गया आपको पता होगा ए दो एक तीन एक चार हो गया ए तीन हो गया चार गुड़े तीन हो गया ए सात तिर इक्कीस हो गया सात सात चौदह हो गया चौदह ए चार तीन बारह हो गया तीन और गुड़े पांच हो गया तो ये बताइए तीन हो गया दो एक तीन पाँच तीन पंद्रह तीन अठारह अठारह मतलब नौ समझ में आ रहा है नहीं सबको मजा आ रहा है मजा आ रहा है अच्छा लगभग छियासी सौ बच्चे इस समय देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद देखिए बहुत शांत अच्छा तो सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद 9000 के आसपास आंकड़ा मतलब छियासी एक बार वीडियो को शेयर करिए 9000 9000-10000 पहुंच जाए भैया 10000 का आंकड़ा छू ले कम से कम चौरासी सौ बच्चे हैं ठीक है, है। आइए ये देखिए डिजिटल सब हम लोग लगाते हैं इसमें ये देखिए लिखा चार प्लस फोर पॉइंट फोर फोर प्लस फोर 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 पॉइंट पॉइंट प्लस प्लस जीरो माइनस टू ये देखिए चार चार आठ चार बारह चार सोलह चार बीस चार चौबीस चार अट्ठाईस चार बत्तीस चार छत्तीस चालीस चौवालीस अड़तालीस अड़तालीस का मतलब आपका यहां तक पूरा अड़तालीस होगा डिजिट अड़तालीस होगा और आपका ये दो माइनस बना रहेगा आठ चार बारह बारह माइनस दो दो एक तीन तीन में दो जाएंगे एक आएगा उत्तर एक आएगा भैया एक आएगा डिजिट को हमने जोड़ दिया डिजिट को चार चार आठ चार बारह चार सोलह चार बीस चार चौबीस चार अट्ठाईस चार बत्तीस चार छत्तीस चालीस चौवालीस अड़तालीस और माइनस दो आठ चार बारह बारह माइनस दो दो एक तीन तीन में दो जाएंगे एक आएगा एक आएगा इसका मतलब नौ पाँच चार नौ मतलब जीरो जोड़ लोगे ना दो दो चार आएगा इसका डिजिटल सम चार आएगा आठ चार बारह आठ बीस आठ अट्ठाईस अट्ठाइस मतलब आठ दो दस दस मतलब एक ऑप्शन नंबर बी वाला सही है बी वाला सही है समझ में आ रहा है सबको बयासी सौ आठ लाइव है ठीक है वीडियो को शेयर कर दीजिए नौ हजार पहुंच जाए दोस्तों हाँ हाँ डेली होगी एक बार वीडियो को जरूर शेयर करें भैया सभी लोग देखिए हमारे सारे पढ़ने वाले लड़कियां भी शेयर कर दे देखिए दस हजार पहुंच जाएगा लड़कियां शेयर करी नहीं रे मन लगा आठ हजार लोग शेयर करके दस हजार तो कम से कम कर दो भाई देखिए बहुत शानदार क्लास लेके आऊं इसके बाद बहुत मजा आने वाला क्लास देखिए बहुत शानदार सवाल आने वाले हैं आए चलते हैं इसके बाद बेहतरीन सवाल आपके आ रहे हैं देखिए बाज बाज को देखेंगे नहीं जिसमें उबाल हो ऐसा जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए ये आसमान भी आएगा जमीन पर बस इरादों में ऐसी गूज होनी चाहिए दोस्तों हमारी इरादों में अगर ताकत है कि हम लोग दस हजार बच्चों को एक साथ ले पढ़ाएंगे तो दस हजार बच्चा हमारे साथ होगा तो जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए ये आसमान भी आएगा जमीन पर बस इरादे में ऐसा वो होना चाहिए आइए चलते हैं शानदार सवाल ये देखिए हम लोग नंबर सिस्टम में एलसीएम सी एस सी पे भी, भी अप्लाई करेंगे कैसे इन सवालों पे आइए चलते हैं पहला सवाल कह रहा है अगर हम नंबर सिस्टम में कैसे हम, डिस्टर्स हम को अप्लाई करेंगे नंबर सिस्टम में आइए पढ़ते हैं जैसे लिखा है अगर संख्या ए छत्तीस से विभाज्य है तो ए प्लस बी का मैक्सिमम मान ज्ञात करना है दोस्तों मैक्सिमम मान ज्ञात करना है तो ए आपको पांच नौ ए चार चार बी

ए प्लस बी और प्लस चार बचा, ए बचा, इस नौ का मतलब जीरो इस नौ का मतलब जीरो इस नौ का मतलब जीरो पांच नौ का मतलब जीरो इस नौ का मतलब जीरो, पांच चार नौ का मतलब जीरो ए प्लस बी प्लस फोर ए प्लस बी प्लस फोर तो ये बताइए ए प्लस बी प्लस फोर हो गया कह रहा छत्तीस से भाजपा तो ए प्लस बी का मैक्सिमम मान क्या होगा तो आप लोग कहोगे सर जो मैक्सिम मान होगा इसका ए प्लस बी का मतलब छत्तीस का मतलब आपका ए आपका छत्तीस नौ से डिविजिबल होगा नौ से डिविजिबल होगा तो नौ के लिए नौ जीरो हो गया पाँच चार नौ जीरो हो गया ए बचा बी प्लस बचा चार बचा ए प्लस बी ए प्लस बी का मान क्या रख दें कि नौ के टेबल में आ जाए तो गांव का अनपढ़ लड़का होगा वह कहेगा पांच रख दो चार है यह है पांच चार नौ हो जाएगा दोस्तों पांच चार नौ हो जाएगा तो इसका मतलब ए प्लस बी का मान पांच होगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला सही है जल्दी से दस के कंप्लीट नहीं हुआ है यार अभी नहीं हुआ अच्छा बहुत बहुत बधाई हो सभी विद्यार्थियों को कांग्रेस की आप लोगों ने इस तरीके से मेरा साथ दिया तो अभी जोरदार तरीके से पार्टी भी होगी थोड़ी देर इंतजार करें सिलेबस खत्म कर लें तो हमारी टीम भी होगी कहीं ना कहीं हमारे परिवार में जैसे उमेश सर भी बेचारे सुबह से लगे हैं इंग्लिश में वह बहते हुए सितारे आपके प्रयागराज ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार अंग्रेजी पढ़ाते हैं और बिंद सर और तोसीफ़ सर राहुल सर अंग्रेज़ी में हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है पूरी टीम तो इन सभी विद्या इन सभी दोस्तों के लिए पंचानवे सौ इस समय हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं दस साल तो मैंने नहीं देख पाया लेकिन अपने स्टाफ को और तमाम हमारे क्लाइमिक्स परिवार के जो स्टूडेंट हैं सभी को तह दिल से शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा आई चलिए अगला चो सवाल चलते हैं आई तीन बच्चे एक साथ एक जगह से बाहर निकलते हैं उनके कदमों के माप करें छत्तीस सेमी चौबीस सेमी और अड़तालीस सेमी है अड़तालीस सेमी है ना कदमों के माप अच्छा टेन थाउजेंड हो गए हमने अपने आंखों से भी देख लिया बहुत बहुत धन्यवाद देखिए तीन बच्चे एक साथ एक जगह से बाहर निकलते हैं उनके कदमों की माप के अनुसार छत्तीस चौबीस और अड़तालीस सेमी है अभी थोड़ी देर बाद ठीक प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी चलना चाहिए ताकि उन सभी को पूर्ण कदमों तय कर सके इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा देखिए जब लासा आशा हम पढ़ाएंगे पढ़ाते हैं तो आपको बताएं कि लासा मशा में कहीं भी नौ का डिविजिबिलिटी आ रहा है का छाती नौ नौ का डिविजिबिलिटी आ रहा है नौ का डिविजिबिलिटी आ रहा होगा नौ का डिविजिबिलिटी तो ये नौ से कट रहा है कौन सा ऑप्शन नौ से कटेगा ए वाला कटेगा नहीं दोस्तों चार दो छत ए कटेगा नहीं ए आपका तीन होगा ए चार चार आठ एक नौ यही इसका लाशा होगा नौ इसमें कहीं ना कहीं अगर लाशा का प्रश्न देखना कहीं पे भी डिजिटल सम न आ जाए तो समझिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो नौ का मल्टीपल होगा नौ का मल्टीपल में डिजिटल सम लगाते हैं दोस्तों ठीक है समझ में आ रहा है ना चलिए समझ में आ रहा है नहीं सबको आइए चलते हैं अगले सवाल पे बेहतरीन सवाल हमारे चल रहे हैं आइए जल्दी से फटाफट चलते हैं ये देखिए फिर से अगला सवाल कह रहा तीन लड़के एक स्थान से चलते हैं यदि उनके कदमों के माप 36 सेमी 48 सेमी चौवन सेमी हो तो ये 36 फिर से छह तीन नौ नौ का मल्टीपल आएगा दोस्तों उत्तर फिर नौ का मल्टीपल आएगा अच्छा तो ग्यारह हजार इस समय हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद ये बताइए आपका छः तीन नौ हो गया नौ हो गया तो जिसका डिस्टन्स नौ होगा वही वाला उत्तर होगा तो ये बताइए दो तीन दो पांच आपका पांच दो सात होगा सात होगा ये चार तीन सात दो नौ आएगा डिस्टल सॉरी इसका आएगा तीन दो पाँच चार नौ पाँच चार नौ आएगा ये आएगा, आएगा तीन तीन छः दो आठ आएगा और तीन दो पाँच एक छेगा डिजिट को मैंने जोड़ा चार था तीन सात दो नौ नौ आएगा यही वाला आएगा ऑप्शन वही वाला ढूंढना अगर लासा मासा आप पढ़ते हो गए पूरी लासा मासा में पूरे लासा मशा में कहीं पे भी अगर डिजिटल जोड़ने पर नौ आता है तो हमारा उत्तर नौ आएगा दोस्तों ठीक है कहीं पे भी जोड़ने पर डिजिटल सम नौ आता है तो हमारा जो है उत्तर नौ का मल्टीपल होगा स्क्रीन साइड ले लो भैया फटाक से वागा 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 आपको तो देखे। देखे। सारी हो आपको ठीक है ठीक है सभी देखिए हमारे सभी सहकर्मी जो है साथ में जो हम लोग साथ रहते हैं हमारे दोस्त और सभी लोगों ने बहुत बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से प्रेम बनाए रखे पी लीजिए अच्छा पानी पी लेते हैं पानी पी लेते हैं <laughs> दोस्तों सर कसम खाए थे कि जब तक दस हजार नहीं होगा पानी नहीं पीऊंगा और सर पानी नहीं पिए और धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने आज इस मुकाम को हासिल किया थैंक यू सो मच ग्यारह हजार धन्यवाद आज ग्यारह हजार बहुत बढ़िया हमारे अजीत भाई हैं टाइपिस्ट हैं और अमित सर हमारे उभरते हुए चेहरे अरे तो देखिए अमित सर जो है अमित सर को उम्मीद करेंगे ये भी लाइव हमारे लोगों के साथ आ रहे हैं <laughs> आए, हम लोग पढ़ते हैं आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं क्योंकि हम जिस नाम से जाने जाते हैं हमारा वही काम होना चाहिए ना जैसे एक पिता जी अपने बेटी का जब आईएस बनाते हैं बेटी के लिए पढ़ाने भेजते हैं कहीं और उनकी बेटी आईएस बनती है तो पिता रिक्शा ही चलाता रहता है क्योंकि उसका कर्तव्य होता है रिक्शा चलाना क्योंकि मैंने एक दिन एक मोटिवेशनल स्पीच देख रहा था एक पिताजी थे रिक्शा चलाकर अपनी बेटी को आई बनाए और आई मतलब एक नाम मात्र का था मतलब वो एक वैसे था मतलब मूवी टाइप का उसमें दिखाया गया कि वो बेटी ने रिक्शे से शर्म करती थी जब आई बना दिया गया तो बेटी को शर्म आती थी कि मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे लेकिन उस बेटी को ये नहीं पता था कि हमारे पिताजी ने इसी रिक्शे को चलाकर हमें जो है जो है हमें आई बनाया है ठीक है तो इसलिए आप सभी विद्यार्थियों अपने माँ बाप जो आपके माँ बाप हैं किसान हैं जैसे भी हों उनको जरूर याद रखिएगा उनके दिन को मत भूलिएगा क्योंकि अपना सब कुछ त्याग करके निछावर करके आप लोगों को यहाँ तक पहुंचाए हैं भेजे हैं तो उनका कर्तव्य निष्ठा है आपका कर्तव्य निष्ठा है कि आप लोग उन्हें जरूर सरकारी जॉब दें उन्हें कभी निराश मत करना दोस्तों ठीक आए चलते हम लोग अपने आगे के काम पर तो हमने सारी चीजें आपको बताया कह रहा है ये आठ की संख्या नौ और पांच से भाज्य है जब नौ और पांच का डिविजिबिलिटी का नाम ले तो नौ का रूल अब अपना लगाना नौ का रूल नौ का रूल लगाना नौ का रूल क्या है चार तीन सात तीन दस दो चार चार आठ तीन ग्यारह दो तेरह चार सत्रह तीन बीस बीस प्लस ए प्लस बी ए बताइए बीस प्लस अब बताइए दो और प्लस ए प्लस बी डिजिट को जोड़ना है अगर कह रहा है नौ से विभाज्य है अगर नौ से विभाज्य तो यहाँ ए वेरेबल है तो इसका मतलब नौ को मल्टीपल होना चाहिए तो ए प्लस बी का मान जो होगा सात होगा दोस्तों सात होगा तभी वह नौ का डिविजिबल होगा नौ का डिविजिबल होगा सात होगा तभी वह नौ का डिविजिबल होगा जल्दी से कॉपी करिए ठीक है सभी विद्यार्थियों का प्रेम इसी तरह से बना रहे तो इस तरीके से प्लस बी का मान सात होगा ठीक आइए अगला चलते हैं नेक्स्ट सवाल कह रहा है जिस तरह से पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते ठीक उसी प्रकार कठिनाइयों और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते दोस्तों समझिए आपको जितना ज्यादा संघर्ष कर रहा है ऊपर वाला करा रहा है उससे संघर्ष उतनी ऊंचाई तक आपको ले जाना चाहता है दोस्तों जब आपका लक्ष्य आपके नजदीक होता है तो संघर्ष के दिन उतने ही कठिन होते हैं दोस्तों संघर्ष से न घबराना क्योंकि हमारे विद्यार्थी जो हैं, वो सब संघर्ष करके सफल हुए हैं आप लोग भी संघर्ष करके सफल हो हैं अगला सवाल अब हम कैसे परसेंटेज में अप्लाई करेंगे दोस्तों अभी हम फ्रैक्शन में सिखाएंगे देखिए हमने नंबर सिस्टम में अप्लाई कर दिया लाशा में अप्लाई कर दिया अब हम आए हैं परसेंटेज में अप्लाई करेंगे देखिए आठ चार बारह आठ चार बारह सात पाँच बारह आठ चार बारह मतलब तीन सात पाँच बारह मतलब तीन तीन तरीक का नौ नौ का जीरो छह तीन नौ नौ का जीरो पांच चार नौ नौ का जीरो हमारा वही वाला सही है, जिसका उत्तर पाँच चार नौ यानी जीरो होगा ऑप्शन आठ चार बारह सात पाँच बारह पाँच चार नौ बुढ़े एक्स छीरो तीन आएगा आठ चार बारह प्लस आठ चार बारह आपका सात बारह पांच चार नौ एक छह तीन नौ नौ जीरो छह तीन नौ जीरो तीन आएगा तीन तिर का नौ ए आपका नौ बराबर नौ नौ ए आपका छ तीन नौ जीरो नौ बराबर जीरो नौ बराबर जीरो आएगा यक्स बराबर जीरो अब ऐसा नहीं कि यक्स का कोफिशियंट है यू जीरो कर दो क्योंकि यक्स का मान मुझे निकालना था तो निकालना ही पड़ेगा दोस्तों तो यक्स के साथ जो नौ लगा वहां जीरो नहीं करोगे अब यही में पांच चार नौ जीरो आ रहा है जल्दी से कॉपी करिए जल्दी से अच्छा ग्यारह हजार तीन सौ पचहत्तर तक लाइव गए ठीक है भैया सभी विद्यार्थियों का प्रेम था आप लोगों ने साथ दिया आइए आइए बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं आइए अगला कह रहा है बीस बीस और तीस का प्रतिशत बीस और ये तीस प्रतिशत प्लस तीस गुड़े बीस प्रतिशत ए आपका ए बताइए तीन ना छ तीन दूना छ छह बारह मतलब तीन तीन आएगा दो एक तीन यही वाला ऑप्शन सही है परसेंटेज में अप्लाई कर एक नहीं अच्छा नागेंद्र यादव ठीक है भैया हमारे पड़ोसी आपको बहुत, बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों ने साथ दिया और हम लोगों ने एक रिकॉर्ड कायम किया स्क्रीन शार्ट ले लो भैया बताइए पचास बुढ़े ए आपका छियासी परसेंट और प्लस ए आठ सौ छियासी बेसिक से लगा सकते हैं हम लोग ये देखिए परसेंटेज में कैसे अप्लाई करेंगे ये आपका पचास परसेंट आपने देखा पांच आठ छः चौदह पांच गुड़े चौदह प्लस आठ छ चौदह ये आपका पांच ये आपका पांच गुड़े पांच और प्लस पांच गुड़े पांच पचीस ये आपका पचीस होगा पचीस पचास होगा पचास का मतलब पांच आएगा दोस्तों पांच आएगा डिजिट क्या तो जोड़ते रहो पचाम पच्चीस पाँच दो सात और ये पांच आम पच्चीस पाँच दो सात चाहे जैसे करना सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है दोस्तों तो आपने देखा चार तीन सात आएगा इसका ए आएगा पाँच छह होगा बारह मतलब तीन होगा आठ छः चौदह चौदह का मतलब पाँच होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है ऑप्शन नंबर सी सही है ऑप्शन नंबर सी सही है चार एक पाँच ऑप्शन नंबर सी सही है बहुत शानदार सवाल है महोबा यूपी से ठीक है भैया समझ में आ रहा है कि नहीं ठीक है बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद भैया साहब सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया अच्छे से पढ़ा भी हमारे साथ टिके भी रहे बातें नहीं थी हमने आंकड़ा लगाया था तीन से चार पाँच हजार बच्चे आएंगे लेकिन आप लोगों ने ग्यारह हज़ार तक का आंकड़ा मुझे दिलाया तो मैं हमेशा आपका एहसान मंद रहूँगा और हमेशा आपके ख़राब दिनों में हमेशा साथ खड़ा रहूँगा जैसे खड़ा रहता हूँ प्रयागराज में चाहे जो जिस जगह पे हो आपके साथ खड़ा रहता हूँ दोस्तों और आप जानते भी हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और आगे भविष्य में खड़ा रहूँगा चाहे फ़ीस को लेकर हो कम मिनिमम फ़ीस प्रयागराज में सबसे सस्ती कोचिंग है और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों के पास क्वालिटी नहीं है क्वालिटी में बहुत दमदार टीम है और रीजनिंग में हम लोगों को शायद ही प्रयागराज में कोई छू पाएगा पूरे उत्तर प्रदेश नहीं भारत में जो इस तरीके से लोग रीजनिंग पढ़ा रहे हैं पाना संभव है इसलिए हमारी टीम बहुत शानदार है आप लोग अच्छे से पढ़े फीस मिनिमम है बस हम लोग एक चीज में पीछे हैं फीस में ये बताइए एक घनाभ के आकार के कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रमशः बीस प्रतिशत पच्चीस प्रतिशत वृद्धि की जाती है घनाभ के आतन में प्रतिशत परिवर्तन ये बताइए घनाब का आयतन होता है माना बी आप लोगों को जब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे माना बी कितना है सौ नया बी ये बताइए नया बी नया बी जो होगा सौ गुणे एक सौ बीस बटे सौ एक सौ पच्चीस बटे सौ एक सौ तीस बटे सौ बटे सौ ए आ गया आपने देखा ये हमारा आयतन हो गया मानव सौ था सौ में एक सौ बीस बटे सौ एक सौ पच्चीस बटे सौ एक सौ तीस बटे सौ आई डिस्टर्स हम लगाते हैं तीन एक चार हो जाएगा ये पाँच दो सात एक आठ हो जाएगा दो एक तीन हो जाएगा ये आया है तीन गुड़े आठ गुड़े चार आएगा डिस्टर्स सम जोड़ोगे तो आठ तिर चौबीस चौक छानबे छानबे का मतलब नौ नौ जीरो आएगा जीरो बचा ये आपका जीरो हो गया छः बचा और ये आपका डिजिटल सम यहाँ से लगाओगे एक आएगा एक से आयतन कितना बढ़ा है पांच वृद्धि कितने की हुई है यूनिट डिजिट से हम लगा रहे हैं तो वृद्धि हमारी छे माइनस एक की हुई है के आतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो ए आपका मतलब जीरो यही पांच की वृद्धि हुई ऑप्शन नंबर बी वाला भैया समझ में आया नहीं लाइट गया हाँ लाइट तो चला गया है जनरेटर चल रहा है बहुत बढ़िया जल्दी चलिए बस सात सवाल और बचे हैं चालीस सवाल में है, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा नहीं दस पंद्रह मिनट का कॉन्सेप्ट और बचा है दोस्तों नाइन्टी 95 परसेंट की वृद्धि ये देखिए एक से आयतन हमारा छ हो गया बेसिक से बताएंगे ठीक आइसक्रीम स्क्रीन ले लीजिए लिखा है भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है अपने रास्ते खुद चुनिए आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता दोस्तों तो आप अपना रास्ता स्वयं चुने कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं सही है गलत है चलते हैं अगले सवाल पर देखिए पैतालीस बीस बुढ़े अस्सी पचहत्तर परसेंट गुड़े पचास परसेंट पचीस परसेंट सही क्वेश्चन सवाल है, का है। को बचा ए पांच चार नौ जीरो आएगा आठ सम सात पाँच बारह बारह मतलब तीन गुड़े ए आपका पांच गुड़े पाँच दो सात बताइए आठ दो सोलह तीन अड़तालीस अड़तालीस होगा सात पचे पैंतीस आएगा ए पैंतीस आएगा अब इसका गुणा आठ चार बारह होगा पाँच तीन आठ होगा दो एक तीन होगा आठ होगा आठ तरीक चौबीस चौबीस का मतलब आपका छः होगा चौबीस का मतलब छः होगा डिजिटल छः होगा छः होगा अब मतलब ऐसा नहीं कहीं कहीं बेसिक आपका आसान होता है वहां डिजिटल सम का प्रयोग नहीं करना है तो छः होगा नौ मतलब जीरो तीन तीन छह आएगा डिजिटल डिजिट को जोड़कर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है भैया अच्छा, नीरज त्रिपाठी सर ऐप वीडियो रखिएगा सिर ठीक है भैया ऐप पे वीडियो रखेंगे ठीक आइए चलिए आखिरी कॉन्सेप्ट करते हैं भैया आखिरी नहीं आया रिकॉर्ड नंबर प्रयागराज में ठीक है भैया आइए चलते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट है अब छह सवाल और पढ़ाने आइए आखिरी कॉन्सेप्ट देने चल रहे हैं भैया आइए आखिरी कॉन्सेप्ट एक बार वीडियो को दमदारी से शेयर करिए और आज का आखिरी कॉन्सेप्ट होगा कि अगर हम रिमाइंडर मतलब हमारे आपका हर में यानी नीचे दिया रहेगा डिनोमिनेटर में तो वहां पे हम कैसे करेंगे आइए जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया रहेगा तो आइए देखते हैं देखिए जानते हो कॉन्सेप्ट लिखो अगला कॉन्सेप्ट लिखो जब डिनोमिनेटर नोमिनेटर के फॉर्म में दिया रहेगा जैसे मान लीजिए एक बटे दो दिया है एक बटे दो दिया है भैया एक बटे दो एक बटे दो है मान लीजिए पहला कॉन्सेप्ट एक बटे दो है दूसरा एक बटे पांच है आपके सामने नीचे किसी सवाल में एक बटे पांच हो एक बटे दो हो तो क्या करेंगे ठीक ये बताइए पांच से ऊपर नीचे गुड़ा करा दो पांच से ऊपर नीचे गुड़ा करा दो पांच बटे दस पांच बटे दस पांच बटे एक पांच आएगा दोस्तों पांच आएगा एक बटे दो एक बटे दो एक बटे दो में अगर नीचे दो है तो पांच से गुड़ा करना पांच है तो दो से गुड़ा करा देना तो ये आएगा दो बटे दस दो बटे एक आएगा यानी दो आ जाएगा एक बटे दो गुड़े पांच बटे पांच बराबर पांच बटे दस बराबर पांच बटे एक पांच आया अगर नीचे रहेगा एक बटे चार तो ऊपर नीचे सात से गुड़ा करा देना सात से जब नीचे एक बटे चार रहेगा सात से गुड़ा करा देना सात एक न सात सात चौक अट्ठाइस ये सेवन डिवाइड बाई टेन आएगा सेवन डिवाइड बाई एक आएगा अगला कॉन्सेप्ट है एक बटे सात है तो चार से गुड़ा करा देना चार से चार बटे अट्ठाईस तो ये आएगा चार बटे दस यानी चार आ जाएगा अगर आपका पांचवा कॉन्सेप्ट है एक बटे आठ है नीचे तो आठ से ऊपर नीचे गुड़ा करा देना तो ये आ जाएगा आठ अठाईस चौसठ अब कहेंगे सर क्यों गुड़ा करा रहे हैं नीचे यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए गुड़ा करा रहे हैं अगर नीचे दो है तो पांच से गुड़ा करा देना पांच है तो दो से गुड़ा करा देना ठीक है ठीक है और एक बटे चार है तो सात से गुड़ा करा देना सात है तो सात से गुड़ा करा देना ये बताइए नीचे एक बटे तीन एक बटे छ एक बटे नौ no. अगर नीचे ये सारी चीजें हैं तो डिजिटल सम नहीं लगेगा डिजिटल सम नहीं लगेगा नहीं लगेगा डिजिटल सम नहीं लगेगा डिजिटल सम नहीं लगेगा नीचे एक बटे तीन है एक बटे चार है तो डिजिटल सम नहीं लगेगा अगर नीचे एक बटे तीन है एक बड़े छः है एक बड़े नौ है तो डिजिटल सम नहीं लगेगा भैया डिजिटल सम नहीं लगेगा ठीक हाँ हाँ रीजनिंग की क्लास चलेगी ठीक है रीजनिंग की क्लास आपकी चलेगी हम अरविंद सर तो सर आ रहे हैं हर में दो हो पांच हो आठ हो अगर हर में दो है तो पांच से गुड़ा पांच है तो दो से गुड़ा चार है तो सात से गुड़ा सात है तो सात है तो देखिए सात है तो चार से गुड़ा चार है तो सात से आठ है तो आठ से गुड़ा कराओगे अगर नीचे एक तीन है छ है नौ है तो यहाँ पे डिस्टर्सम नहीं लगेगा अगर हर में ये सब सारी चीजें हैं तो आए चलिए आई चलते हैं क्वेश्चनों पे करते हैं सर नाले में कूद कर पड़ा ठीक है सर अच्छा सौरभ तिवारी पाने जो है आइए स्क्रीन साढ़ ले लो भैया कॉन्सेप्ट है नीचे दो रहेगा तो पांच से गुणा पांच रहेगा तो दो से गुणा सात रहेगा तो चार से गुणा चार रहेगा तो सात से गुणा ना समझ में आ रहा है ना आइए आज मैंने बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लाया है देखिए जैसे हमको इसमें डिजिटल सम लगाना है सेवन एट एट सिक्स तेईस अगर हमको इसमें डिजिटल सम लगाना है भाग देना तो आता होगा बेसिक तरीके से डिजिटल सम आठ सात पंद्रह आठ तेईस छः उनतीस उनतीस हो जाएगा उनतीस का मतलब तीन दो पाँच नौ का मतलब जीरो आएगा दो बटे 5, दो बटे पांच इसका मतलब आपने देखा दो से ऊपर नीचे गुड़ा करा दो, दो से गुड़ा करा दिए दो दू ना चार पांच दूना दस चार आया चार बटे एक आएगा तो चार बटे एक मतलब आठ तीन ग्यारह दो तेरह तेरह का मतलब आपका चार चार इसी वाले ऑप्शन का होगा आपने जोड़ा आठ सात पंद्रह आठ उन्नीस देखिये आठ सात पंद्रह आठ तेईस छतीस लिखी है जीरो बच्चा दो बटे पांच पांच है तो अच्छा भैया दो बटे पांच है पांच दो से ऊपर नीचे गुड़ा कराए दो चार दो ना दस चार बटे एक समझ में आएगा सब लोगों को अच्छा भैया जिला बस्ती से ठीक है बहुत बहुत बधाई हो आपको जिला बस्ती से देख रहे हैं आपने भी हम लोगों को आइए स्क्रीन शार्ट ले लो भैया स्क्रीन शार्ट ले लो अभी तीन चार सवालों में जब हम करेंगे तो बेहतर होगा आइए देखते हैं सेवन नाइन एट अपान थ्री वन तीन दो पांच पांच सात पांच बारह नौ इक्कीस साठ उनतीस उन्तीस होगा बस चार सवाल और बचे हैं दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है इकतीस इकतीस चालीस सवाल हम लेके आए हैं तीन एक चार हो जाएगा नौ मतलब जीरो दो बटे चार चार रहेगा तो सात से गुड़ा चार आएगा तो सात से ऊपर नीचे गुड़ा सात दूना चौदह सात चौक अट्ठाईस पांच हो गया दस पांच बटे एक हो जाएगा इसका मतलब हमने देखा आठ पांच तेरह एक चौदह चौदह का मतलब पांच ऑप्शन नंबर ए वाला सही है जल्दी से कॉपी करिए स्क्रीन साढ़ ले लो भैया अच्छा भैया समझ में आ रहा है नहीं अच्छा बिहार से भी देवरिया से सभी सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से शुक्रिया आप लोगों ने इसी तरीके से प्रेम बनाए रखिए और आपके लिए कल से हम लोग नई शुरुआत के साथ नई क्लास लेके आ रहे हैं स्क्रीन ले लो भैया आएगा आठ दो आठ आठ जीरो पांच ए आपका आपने देखा आठ दो दस आठ अठारह आठ छब्बीस छब्बीस आप तीन आठ 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 दो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया आठ आठ सोलह आठ चौबीस दो छब्बीस छह दो आठ आठ बटे आठ कितना है उत्तर एक तो आठ छः चौदह तीन सत्रह दो उन्नीस उन्नीस का मतलब आपका एक नौ का मतलब जीरो उत्तर ए वाला ऑप्शन सही है जल्दी से बड़ा स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी से आइए जल्दी से कॉपी करिए स्क्रीसार ले लो भैया अगला सवाल तेज तो नहीं चल रहा है भैया तेज तो नहीं है आइए ये बताइए थ्री एट जीरो वन टू थ्री फोर आठ तीन ग्यारह एक बारह दो चौदह 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 बटे सात क्या आएगा दो आएगा दोस्तों दो आएगा दो आएगा आठ एक नौ मतलब जीरो एक एक दो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही है आठ एक नौ एक एक दो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है समझ में आ रहा है नहीं सबको चलिए लास्ट दो सवाल दो सवाल और बचे हैं दोस्तों दस मिनट का और काम है बस बहुत बेहतरीन सवाल है मेंस के सवाल हैं साइड हो जाए ठीक है भैया साइड हो ठीक है भैया जल्दी से कॉपी करिए स्क्रीन शार्ट ले लो आइए आखिरी के सवाल चल रहे हैं देखिए इसमें लिखा है दोस्तों ए लिखा है इतने नौ पदों तक का योग का है नौ पदों तक का योग का है नौ पदों तक का योग तो आइए देखते हैं इसमें नौ पद लिखा है एक पद को सॉल्व करो एक बटे दो लिखा है एक पद को लिखा है एक बटे दो इधर देखो वोट पे आखिरी दो सवाल लास्ट टू डिजिट आपका बताइए वन बाई टू इसका लिखा सकता वन बाई टू तो इसमें दो है तो पांच से गुणा करा दो पांच ए आएगा पांच बटे दस तो ए आएगा नौ पद था एक दो तीन इसी तरीके से नौ पद था तो नौ में पांच से गुला कर नौ पचे पैतालीस पैंतालीस पांच चार नौ नौ मतलब जीरो तो इसमें दो चार दो दो सोलह दो दो चार दो आठ दो सोलह दो दो चारू दो छ दो आठ दो दस दो बारह चौदह सोलह अठारह इसका अठारह आ, 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 इस आ रहा है नौ नौ जीरो आ रहा है ए, दस, बीस, तीस, पालिस, पालिस, पालिस। इसका पैंतालीस पांच चार नौ आ रहा है इसका भी जीरो आ रहा है ऑप्शन सी वाले का भी जीरो आ रहा है ए वाले का जीरो भी ए तो हमने देखा इसका योग पैंतालीस आ रहा है ओवरऑल और हमारे इस वाले उत्तर का भी पैंतालीस आ रहा है तो तीन में जब जीरो था हमने पूरा योग रखे दिया तो हमारा पैंतालीस हो गया वही उत्तर होगा भैया अच्छा भैया सभी विद्यार्थियों ने बहुत मंस बस आखिरी सवाल एक और बच्चे हैं उनतालीस सवाल मिश्रा जी भी आज देखिए घर नहीं गए हैं बड़ा इंतजार कर रहे हैं आखिरी सवाल बचा हुआ है और हमारी टीम आपके लिए आ रही है आपका जोरदार तरीके से स्वागत करेगी और हमारी पूरी टीम सामने खड़ी हुई है जोश होता है उत्साह होता है जब आप बेहतर करें तो हमने कहा था ना, हम पे आएंगे तो नए जोश और नए उत्साह के साथ हमारी पूरी टीम कल से आ रही है आप लोगों के लिए और इसी उमंग और इसी जोश के साथ आइए आखिरी सवाल हमारा आज का आखिरी सवाल दोस्तों लिखा है आठ पदों तक का योग ये बताइए एक पद का योग देखिए मेंस दो मतलब बेहतरीन सवाल इंड अच्छा अभी इसका पार्ट टू बचा हुआ है पार्ट टू का इंतजार करिए बहुत जल्द लेके आ रहे हैं मेंस के लिए ये आपका एक पद का योग चार है चार है वन बाई फोर यानी आपका वन बाई फोर है तो ये सात से गुणा करा दो अगर ये चार है एक पद का मान अगर नीचे चार है तो सात से गुणा करा दीजिए सात सात हो जाएगा सात चौक सात बटे दस यानी सात आएगा ये बताइए एक, एक पद का सात आया दोस्तों चार था एक बटे चार चार था हमने सात से ऊपर नीचे गुणा करा दिया और नीचे ए, इसको हम वन डिजिट वन बनाने के लिए हम सात से गुणा करा दिया ऊपर नीचे सात बचा सात चौक सात बटे दस तो यहा है एक पद का साथ हमारे पास आठ पद है आठ सत छप्पन आएगा चाहो तो ग्यारह कर लो चाहो तो दो कर लो नहीं तो छप्पन से सारे इतने बड़े बड़े डाटा हैं जोड़ने पर जिसमें छप्पन होगा वही वाला ऑप्शन सही है तो आठ सत छप्पन एक पद का साथ आया और टोटल हमारे पास पास आठ पद थे यानी एट टर्म्स थे आठ से गुड़ा करा दोगे सात दो नौ दो ग्यारह सात दो नौ देखिए यहां से आप जीरो करते चलिए सात दो नौ का मतलब जीरो देखिए आप यहाँ से जीरो करते सात दो नौ जीरो सात दो नौ जीरो सात दो नौ जीरो सात दो नौ जीरो तो आएगा पांच डिजिटल सम ना डिजिट जोड़ोगे सात दो आइए सात सात चौदह सात इक्कीस सात चौ अटाईस सात पांच पैंतीस सात छवालीस सात सत्तावन चार दो इक्यावन पाँच छप्पन छप्पन का मतलब छह पांच ग्यारह ग्यारह का मतलब दो चाहे होते तो छप्पन से छप्पन मिल रहा था ऑप्शन से हिट करा दीजिए या तो लास्ट में दो आ रहा है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे दो यहां दो यहां मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों उम्मीद करते हैं सबको बहुत मजा आया होगा इसी तरीके से मजा लेने के लिए आगे